भाग जाओ, मैं क्यों भागूं? ये जिवेन की स्पष्ट आवाज थोड़ी अजीब लग रही थी। जानमिंग, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं कर सकता? तुम बहुत भोले हो। उद्धरण चिन्ह। ये जिवेन की आंखें अचानक ज्ञान के प्रकाश से फूट पड़ी। उसके पीछे एक अतुलनीय रूप से विशाल टर्नटेबल धीरे धीरे उठा, जैसे जैसे यह घूमता गया। हर गुजरते सेकंड के साथ ऐसा लगता था कि उसकी ताकत बढ़ रही है। यह एक और 12 राशि चक्र निकला। राशि चक्र का यह पहिया गड़गड़ाहट की आवाज के साथ घूम रहा था, मानो वह अपने चारों ओर की हर चीज को नियंत्रित कर रहा हो, हर चीज को पूरी तरह से टुकड़ों में कुचल रहा हो। यह कैसे संभव है? जानमिंग ने ये जिवेन को अविश्वास से देखा। यह केवल इसलिए नहीं था कि ये जिवेन ने 12 राशि चक्र ग्रैंड व्हील को संघनित किया था, बल्कि इसलिए कि ये जिवेन की 12 राशि ग्रैंड व्हील उसकी तुलना में बहुत अधिक पूर्ण और शक्तिशाली थी। वास्तव में ये जिवेन का 12 राशि चक्र ग्रैंड व्हील गहन जीवन क्षेत्र के चरम पर 12 राशि योद्धाओं की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था। 12 राशि चक्र ग्रैंड व्हील को 12 राशि योद्धाओं को एक साथ काम करने की आवश्यकता थी, लेकिन ये जिवेन इसे स्वयं सक्रिय करने में सक्षम थी। यह दिखाने के लिए काफी था कि एक जिवेन का कौशल कितना शक्तिशाली हो गया था। चुयुन, हमें जल्दी करना चाहिए और सेना में शामिल होना चाहिए। इस बच्चे की साधना असामान्य रूप से भयावह है। अगर हम उसे मार नहीं सकते तो वह निश्चित रूप से हमारे लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा। जनमिंग जल्दी से दहाड़ा। दो विशाल पहिए शून्य में टकरा गए और एक दूसरे को भस्म कर दिया। जानमिंग की 12 राशि ग्रैंड व्हील ये जिवेन के सामने बहुत कमजोर लग रही थी। यह उनके लिए बिल्कुल भी मैच नहीं था। ये जिवेन की 12 राशि ग्रैंड व्हील के हमलों के तहत जानमिंग के सभी बचाव ध्वस्त हो गए और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये जिवेन की निरंतर सहनशीलता और पीछे हटने से जानमिंग को लगा कि वह 12 राशियों के ग्रैंड व्हील से निपटने में असमर्थ है। यह जानमिंग को 12 राशियों के ग्रैंड व्हील का उपयोग जारी रखने की अनुमति देने के लिए था, ताकि उन्हें और अधिक विवरणों को समझने और निकालने का अवसर मिल सके। इतने लंबे समय के बाद उन्होंने आखिरकार 12 राशियों के ग्रैंड व्हील के रहस्यों को सुलझा लिया था। हालांकि वह अभी भी इसमें महारत हासिल करने से बहुत दूर था। 12 किंग रैंक वाले पावर हाउस 12 राशि चक्र ग्रैंड व्हील का उपयोग करने की तो बात ही छोड़ दें। हालांकि यह जानमिंग के 12 राशि बिग व्हील से पहले से ही बहुत बेहतर था। इसके अलावा उनका कौशल भी जानमिंग की तुलना में एक पायदान अधिक था, इसलिए जब वे लड़े तो उन्होंने जानमिंग को लगभग पूरी तरह से कुचल दिया। इस समय जानमिंग पहले से ही थोड़ा डरा हुआ था। एक ओर वह द्वादश राशि चक्र का आग्रह करता रहा और दूसरी ओर उसके हाथ में एक विशाल फरसा प्रकट हो गया। उसने सीधे काट दिया, एक हमला और एक बचाव एक दूसरे के पूरक। इस दृश्य को देखकर कई लोग मंत्रमुग्ध हो गए। वास्तव में जानमिंग की ताकत खराब नहीं थी, मार्शल आर्ट की उनकी समझ भी खराब नहीं थी। हालांकि उसके इस तरह बनने का कारण यह था कि एक शिवेन बहुत अत्याचारी थी। मरो स्वर्ग बंटवारे की कुल्हाड़ी। उसने एक गगनभेदी गर्जना की और एक विशाल कुल्हाड़ी उसके पीछे घनीभूत हो गई। यह एक्स डाउ की उनकी सारी समझ का संक्षेपण था। यह आम लोगों की कल्पना से बहुत परे था और यहाँ तक कि इसमें स्वर्ग और पृथ्वी को विभाजित करने की शक्ति थी। सीटी की आवाज के बीच एक विशाल कुल्हाड़ी ये जिवेन की ओर ऐसे कटी मानो वह आकाश और पृथ्वी को विभाजित करने वाली थी। दिन और रात के आसपास के ब्रह्मांड को पूरी तरह से उलट दिया गया था, पूरी तरह से ये जिवेन को ढंक लिया था। यह न्यांग जीवन और मृत्यु आरेख के बचाव को एक पल में तोड़ देना चाहता था। इतना खराब भी नहीं, ये जिवेन यह स्वीकार किए बिना नहीं रह सकी कि जानमिंग वास्तव में एक उत्कृष्ट व्यक्ति थे। अगर जानमिंग ये जिवेन से नहीं मिला होता तो ये जिवेन के लिए उससे निपटना बहुत मुश्किल होता, क्योंकि जानमिंग ने अपने गहन जीवन दायरे को पूरी तरह से समेट लिया था और छोटे दायरे में कदम रखा था। हालांकि यह सब बेकार था। ये जिवेन का रोम रोम स्वर्ण दिव्य शक्तियों का उत्सर्जन कर रहा था। वे सीधे प्रकट हुए और फिर एक सुनहरे देवता में बदल गए। यह भगवान सीधे प्रकट हुआ और फिर विशाल कुल्हाड़ी की ओर एक विशाल हाथ पकड़ लिया। बूम, एक अतुलनीय जोरदार टक्कर की आवाज अचानक फट गई और आकाश में एक बड़ी दरार दिखाई दी। 1000 मील के दायरे में सब कुछ पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। दोनों पक्षों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, इसलिए इस आदान प्रदान की शक्ति और भी भयानक थी। ये जिवेन सोने के देवता के जिस विशाल हाथ में बदल गया था वह सीधे टुकड़ों में टूट गया था। जानमिंग के चौतरफा हमले की शक्ति अभी भी बहुत अत्याचारी थी। ऐसे विशेषज्ञ के चुपके हमले को नजरअंदाज करने की किसी की हिम्मत नहीं थी। ये जिवेन के सुनहरे हाथ को सीधे टुकड़े टुकड़े करने के बाद जानमिंग ने लगभग अगले ही पल फिर से हमला किया। आकाश में कुल्हड़ की कांति अद्भुत प्रकाश से जगमगा उठी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि यह दिन था या रात। इसमें अनंत शक्ति थी और यह सब कुछ कवर करता था। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता? ये जिवेन ने उपहास किया और सीधे एक कदम आगे बढ़ाया। शून्य तुरंत ढह गया और अंतहीन तलवार का इरादा सीधे उसके शरीर से बाहर हो गया। फिर
यह एक अतुलनीय रूप से विशाल लोहे की तलवार में बदल गया और सीधे मौके पर सुनहरी कुल्हाड़ी की ओर धमाका हुआ। बूम! ब्रह्मांड के शून्य का एक बड़ा क्षेत्र ढह गया और अंतहीन कानून सीधे टूट गए। हर तरफ कयामत का मंजर था। दोनों पक्ष शून्य में टकरा गए और फिर अचानक से विशाल कुल्हाड़ी मौके पर ही फट गई। कितना शक्तिशाली तलवार का इरादा है, यह क्या है? जान मिंग चौंक गया और तलवार के इरादे से खुद को चोटिल होने से बचाने के लिए तुरंत खुद को उबलते हुए कुल्हाड़ी की चमक से घेर लिया। वह भी बेहद हैरान था। इस तलवार के इरादे में एक राजा का रास्ता था, तलवार की एक शानदार शक्ति जिसने हर किसी को आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित किया। जब यह बह गया तो वह भी चौंक गया। यदि वह उस विशेष साधना पद्धति के लिए नहीं होता जिसका उसने अभ्यास किया, तो सामान्य लोग तलवार के इस दबाव का सामना करने में भी सक्षम नहीं हो सकते थे। कुल्हाड़ी की चमक को चकनाचूर करने के बाद येजीवेन ने तुरंत बढ़त हासिल कर ली। उसका बड़ा हाथ सीधे शून्य की ओर बढ़ा और सीधे एक सुनहरी लंबी तलवार पकड़ ली। तलवार की तेज धार सीधे टूट गई और उसका निशाना सीधे जान मिंग था। जान मिंग सीधे तलवार के इरादे से मजबूर थे। उसने जल्दी से अपने हाथ में कुल्हाड़ी निकाल ली और शून्य में लगातार बचाव किया। वह पीछे हटता रहा और येजीवेन द्वारा सीधे सैकड़ों मील पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया। इस समय जब उन तीनों के बीच लड़ाई जोरों पर थी, अचानक खजाने के घर की गहराई में अचानक हिंसक उतार चढ़ाव आया। एक पल के लिए सभी स्तब्ध रह गए और फिर तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। कोई अंदर लड़ रहा था। इस समय किनली और जून डिंटियन के अलावा और कौन अभी भी अंदर लड़ रहा होगा? इन दो शीर्षस्थ विशेषज्ञों के लिए केवल एक ही संभावना थी कि वे एक संघर्ष में टूट जाएं और किसी और चीज की परवाह किए बिना लड़ना शुरू कर दें। उन्होंने अवश्य ही किसी प्रकार के असाधारण खजाने की खोज की होगी और यही एकमात्र संभावना थी। यह सोचकर सबका दिल एकाएक कस उठा। यहाँ तक किनली और जून डिंटियन भी उन खजानों से प्रभावित थे और यहाँ तक उनके लिए लड़ने से भी नहीं हिचकिचाए। कोई कल्पना कर सकता है कि वे खजाने कितने महत्वपूर्ण थे और यह बहुत संभव है कि वे अंधेरे देश के राष्ट्रीय खजाने थे। सभी का दिल एक बार में कस गया। यह बस उनके जीवन के लिए पूछ रहा था। थोड़ी देर के बाद किनली की चरम उच्च बनाने की आभा फैल गई और आकाश सम्राट गॉडली फिस्ट को लगातार बाहर निकाला गया जैसे कि वह मुक्त हो। येजीवेन का दिल कांप उठा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जून डिंटियन उसकी कल्पना से थोड़ा अधिक शक्तिशाली होगा। वह किनली की ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट था और स्काई सम्राट गॉडली फिस्ट की परिस्थितियों में वह गहन जीवन क्षेत्र के चरम पर विशेषज्ञों के साथ भी संघर्ष कर सकता था। हालांकि जून डिंटियन ने सीधे तौर पर किनली को स्काई सम्राट गॉडली फिस्ट का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया था, जो यह साबित करने के लिए काफी था कि उनकी ताकत कितनी शक्तिशाली थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि किनली ने एक पल के लिए भी रुकने की हिम्मत नहीं की और वास्तव में स्काई सम्राट गॉडली फिस्ट को लगातार उड़ाते रहे। येमो के अनुसार स्काई सम्राट गॉडली फिस्ट स्वर्गीय सार्वभौम फुक्सी की अद्वितीय खोई हुई तकनीक थी। अतीत में कोई नहीं जानता था कि कितने शीर्ष विशेषज्ञ मारे गए थे और उनमें से कुछ सम्राट स्तर के भी थे। यह एक अद्वितीय व्यक्ति था जिसने एक बार मानव कबीले को तीन कुलों के बीच युद्ध से ऊपर उठने का नेतृत्व किया था। यहाँ तक उनके शरीर के रहस्यमय स्थान ने भी उन्हें ऐसी मार्शल आर्ट की गणना करने के लिए लगभग खाली कर दिया था। दूसरी ओर इस तरह की मार्शल आर्ट में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करनी चाहिए। यदि उसके पास समय होता तो वह थोड़ी देर और टिक सकता था, लेकिन यदि वह लगातार आकाश सम्राट गॉडली फिस्ट को उड़ाता तो उसे पूरी तरह से थकने में देर नहीं लगती। उस समय तक क्या वह जून डिंटियन की दया पर नहीं होगा? सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस बात की पूरी संभावना थी कि खजाना जून डिंटियन के हाथों में आ जाएगा। जून डिंटियन एक ऐसा विरोधी था जिससे वह भी डरता था। अगर उसने जून डिंटियन को इस तरह विकसित होने दिया तो उसे अंदेशा था कि एक दिन जून डिंटियन उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। यह सोचकर वह अचानक घबरा गया, लेकिन उसके सामने दो लोग उससे कसकर उलझ गए और कोई रास्ता नहीं था। येजीवेन की तुलना में जान मिंग और चू यून दोनों ही बहुत घबराए हुए थे। अगर किनलाई या जून डिंटियन इसे हासिल कर लेते तो क्या वे पीछे नहीं हट जाते? हालांकि वे यह भी जानते थे कि इस समय वे जितने अधिक चिंतित थे उतना अधिक वे चिंतित नहीं हो सकते थे। चूयू की अभिव्यक्ति धीरे धीरे शांत हो गई, लेकिन उसके शरीर की हरकतें और खतरनाक हो गईं। दुनिया के साथ एकीकरण की एक बेहोशी की स्थिति थी और उसके पूरे शरीर की आभा संयमित थी। यह थोड़ा थोड़ा करके फूटा और प्रत्येक विस्फोट पिछले वाले की तुलना में बहुत अधिक अत्याचारी था। धीरे धीरे उनका आभामंडल एकाएक बढ़ने लगा, मानो काले बादल ने अचानक सारे आकाश को ढक लिया हो। कदम दर कदम वो येजीवेन को दबाने के लिए उसकी ओर बढ़ा। इस समय येजीवेन का मुख्य ध्यान जान मिंग पर था। वह पहले जान मिंग को मारना चाहता था और फिर चूयू से निपटना चाहता था। इसलिए चूयू उनके हमले के सामने येजीवेन लगातार पीछे हटते रहे और लापरवाही से नहीं लड़े। वह पहले जान मिंग को खत्म करना चाहता था और फिर अन्य बातों पर विचार करना चाहता था।
हालांकि चुयुन को भी पता था कि येजिवेन क्या सोच रहा था और उसे मौका नहीं दिया और कदम से कदम आगे बढ़ाया। सभी ने अपनी सांस रोक ली। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने चिंतित थे, वे बहुत स्पष्ट थे कि क्या वे अंदर जा सकते हैं और कब वे अंदर जा सकते हैं, यह इन तीन लोगों पर निर्भर करता है। सभी ने केवल चुयुन को सीधे अपना बड़ा हाथ फैलाते हुए देखा और एक शिवेन की ओर थप्पड़ मारा। ऐसा लग रहा था कि चुयुन की हथेली ने उसकी सारी ताकत खत्म कर दी है। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, जैसे उसके शरीर का सारा खून एक पल में चूस लिया गया हो, जिससे उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया हो। येजिवेन एक नजर में देख सकता था कि चुयुन की हथेली के प्रहार ने उसकी बहुत सारी जीवन शक्ति को जला दिया था। उसके काले बाल एक पल में लगभग सफेद हो गए थे। खजाने के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए वह सब बाहर चला गया था। जितनी जल्दी हो सके ये शिवेन को हराकर ही वह लूट का हिस्सा प्राप्त कर पाएगा। इस समय उसके मन में एक शिवेन को मारने का विचार नहीं था। यदि लड़ाई लंबे समय तक चलती रही तो शायद उम्मीद होगी, लेकिन उसके पास इतना समय नहीं था। वह सिर्फ किसी और के लिए शादी का जोड़ा बनाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करना चाहता था। चुयुन को हराने के लिए और उसे परेशान न करने देने के लिए यही सबसे अच्छा तरीका था। यहां तक कि येजिवेन को भी इस हथेली का खतरा महसूस हुआ, लेकिन उसकी मनस्थिति नहीं बदली। यद्यपि वह चिंतित था, वह सबसे शांत अवस्था में था, जिससे उसे सबसे सटीक निर्णय लेने की अनुमति मिली। इस समय वह बिल्कुल भी जल्दी में नहीं थे। उसके शरीर से स्वर्ण देवियां निरंतर निकलती रहीं, उसे उसमें लपेटती रहीं, जिससे वह इस संसार में रहने वाले एक देवता के समान दिखाई देने लगा। उसके शरीर से एक प्रतापी शक्ति उबल रही थी। वे स्वर्ण देवता सीधे एक विशाल स्वर्ण देवता में बदल गए। इस देवता ने उस क्षण तुरंत चुयुन की हथेली पर हमला कर दिया। शून्य में हथेली एक सुनहरी रोशनी में बदल गई, जिसने आकाश को भर दिया। अनगिनत विशाल हाथ बने और समुद्र की तरह चुयुन की ओर बाढ़ आ गई। बूम बूम बूम, एक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी और चुयुन की ताल के हमले से येजिवेन के अनगिनत बड़े हाथों के टुकड़े टुकड़े हो गए। हालांकि अधिक से अधिक विशाल हाथ दिखाई दिए। यह ऐसा था जैसे विशाल हाथों की संख्या का कोई अंत नहीं था। धीरे धीरे चुयुन के बड़े हाथ पूरी तरह से जलमग्न हो गए। जीतने के लिए मात्रा का उपयोग करते हुए येजिवेन के शरीर की ची उसी क्षेत्र के विशेषज्ञों से कई गुना अधिक थी। यह क्यूई पीली नदी की तरह बह गई, अथाह लगभग अथाह। भगवान के चेहरे पर हल्की सी हंसी थी, मानो चुयुन के अति आत्मविश्वास पर हंसी आ रही हो। और इस भगवान के सामने येजिवेन ने सीधा हमला किया। उसने अचानक अपने पैरों पर कदम रखा और उसकी आकृति सीधे सुनहरी बिजली की तरह उड़ गई, सीधे चुयुन के सिर की ओर धंस गई। चुयुन का सिर उसके पूरे शरीर का सबसे कठोर हिस्सा था। यदि उसका शरीर धातु के समान कठोर था तो उसका सिर हीरे के समान कठोर था। यह अतुलनीय रूप से कठिन था, सामान्य धातु से कहीं अधिक। इस समय उसने येजिवेन के इरादे को भी देखा। येजिवेन स्थिति का लाभ उठाना चाहता था और जब उसका पलड़ा भारी था, येजिवेन ने उसका पीछा किया और उसे एक झटके में गंभीर रूप से घायल कर दिया। नहीं, मैं उसे सफल नहीं होने दे सकता। उसने अपने दांत पीस लिए और येजिवेन के सुनहरे हाथ को देखा, जो पूरी तरह से आसमान में डूबा हुआ था। यह उसकी जीवन शक्ति को जलाकर संघनित किया गया था, लेकिन यह अभी भी येजिवेन के लिए कुछ नहीं कर सका। इस समय वह जल्दी से पीछे हट गया। वह येजिवेन को सफल नहीं होने दे सकता था, अन्यथा उसका अंत अत्यंत दयनीय होगा। येजिवेन द्वारा उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया जाएगा। पिछली बातचीत से वह बहुत स्पष्ट था कि येजिवेन की शारीरिक शक्ति अत्याचारी थी। यहाँ तक वो येजिवेन से तुलना नहीं कर सकता था। और ठीक उसी समय जब उसका शरीर पीछे हट रहा था, येजिवेन पहले ही उस पर झपट चुकी थी, उसका पीछा करते हुए। धतेरी की, उसने आखिरकार देखा कि येजिवेन वास्तव में उसे मारना चाहता था। इस समय वह आखिरकार समझ गया कि जानमिंग अभी कैसा महसूस कर रहा है। येजिवेन द्वारा पूरी तरह से दबा दिए जाने की भावना बहुत व्यथित थी। भले ही उसे अपने शरीर पर असाधारण भरोसा था, फिर भी उसने येजिवेन की बमबारी का इस तरह विरोध करने की हिम्मत नहीं की। येजिवेन के पीछे के सुनहरे भगवान ने सीधे तौर पर सुनहरी रोशनी की हजारों किरणें फेंकी और एक राक्षसी बड़े हाथ को मार गिराया। इसमें किसी अति सुंदर हस्तरेखा तकनीक का प्रयोग नहीं किया गया था। यह सिर्फ एक साधारण हड़पना था। इस कदम में किसी की ताकत 10 पर काबू पा सकती है, कसार स्पष्ट और स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया था। इस समय जब वह जानमिंग को हमला करने के लिए बुलाने वाला था, उसने देखा कि जानमिंग, जो अंततः येजिवेन के चंगुल से बच गया था, उसका येजिवेन को रोकने के लिए उसके साथ सहयोग करने का कोई इरादा नहीं था। जानमिंग ने वास्तव में उस समय का फायदा उठाया जब वह येजिवेन को बचने के लिए रोक रहा था और खजाना घर की गहराई में कूद गया। धिक्कार है, लानत है, जानमिंग, मुझे तुम्हें मारना चाहिए। चुयुन लगातार गुस्से से दहाड़ा। इस समय कोई कल्पना कर सकता है कि उसके दिल में उसके सहयोगी द्वारा धोखा दिया जा रहा है। एक पल में जानमिंग के दिल में येजिवेन के लिए नफरत की हद पार हो गई थी।
उसकी और येजीवेन की सामान्य टक्कर और टकराव था, लेकिन यह पूरी तरह से अलग था जब उसे झानमिंग द्वारा पूरी तरह से धोखा दिया गया था। हालांकि वे केवल एक अस्थायी गठबंधन थे और एक दूसरे पर ज्यादा भरोसा नहीं करते थे, फिर भी इस तरह के विश्वासघात ने उन्हें अचानक क्रोधित कर दिया। यदि किसी को किसी के साथ विश्वासघात करना है तो वह केवल वही हो सकता है जिसने किसी और के साथ विश्वासघात किया हो। इसके अलावा उसने झानमिंग को अभी धोखा नहीं दिया, लेकिन इस समय उसके साथ विश्वासघात किया गया। यह असहनीय था। येजीवेन, इस समय मुझे रोकना आपके लिए व्यर्थ है। यदि खजाने को उन तीनों ने विभाजित किया है तो मुझे रोकने का क्या मतलब है? चुयुन दहाड़ते हुए पीछे हटता रहा। यदि आप वास्तव में लड़ना चाहते हैं तो हम केवल मौत से लड़ सकते हैं और हम दोनों कष्ट सहना। तुम मेरे साथ मौत से लड़ना चाहते हो? तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो, येजीवेन ने ठंडी सूंघी, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर वास्तव में चुयुन ने जो कहा वह समझ में आया। अब जब झानमिंग ने भी बचने के लिए स्थिति का फायदा उठाया था तो उसे रोकने का कोई मतलब नहीं था। इसके अलावा अब जब झानमिंग और चुयुन पूरी तरह से बाहर हो गए थे तो चुयुन को जाने देना झानमिंग को थोड़ी देर के लिए सिरदर्द देगा। ये दो शीर्ष विशेषज्ञ भले ही वे गंभीर संकट में हो, उनके लिए उन्हें मारना आसान नहीं होगा। अब उनके साथ मौत से लड़ना वास्तव में इसके लायक नहीं था। मैं तुम्हें आज के लिए जाने दूंगा, येजीवेन ने कहा और सीधे राजकुमारी तियानकिंग को पकड़ लिया और फिर तुरंत बिजली की एक गेंद में बदल गई, खजाने की गहराई में भाग गई। चुयुन, जो एक आपदा से बच गया था, जाहिर तौर पर इस समय राहत महसूस कर रहा था और फिर उसकी आंखों ने घृणा से फूटते हुए खजाने के घर की गहराई में दो आकृतियों को देखा। धिक्कार है, लानत है, येजीवेन, झानमिंग, अभी या बाद में मैं तुम्हें दफनाने की जगह के बिना मरवा दूंगा, वह धीमी आवाज में दहाड़ता रहा। डेब्यू से लेकर अब तक उन्हें इतना बड़ा नुकसान कब हुआ था? एक के खिलाफ दो, लेकिन वह येजीवेन को नहीं हरा सका। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे झानमिंग ने धोखा दिया था। यदि भविष्य में कभी ऐसा अवसर मिले तो आज की लाज का बदला लेने के लिए उसे इन दोनों का भली भांति वध कर देना चाहिए। सफेद धुआं लगातार उसके सिर के ऊपर से उठता था और कुछ ही समय बाद उसके सिर के सफेद बाल फिर से काले हो गए, पहले से अलग नहीं दिख रहे थे। हालांकि वह जानता था कि इस बार उसे एक बड़ा नुकसान हुआ है और यहां तक कि लड़ने के लिए उसने अपना जीवन भी जला दिया। यह वास्तव में दोहरा नुकसान था। यह सोचकर उसने एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से खजाने के घर की गहराई में चला गया। इस समय जब सभी ने स्थिति को देखा तब भी उनमें किंचित मात्र संकोच कैसे हो सकता था। वे सभी खजाने की तिजोरी की गहराई में कूद गए। एक पल के लिए दृश्य अतुलनीय रूप से अराजक था। अनंत भंडार प्रकाश और दिव्य प्रकाश आकाश में निरंतर टकराते रहे। यह बिल्कुल आतिशबाजी के फूल की तरह था। इस समय येजीवेन सीधे खजाने के घर की गहराई में प्रवेश कर गया था और एक पल में झानमिंग, जो मूल रूप से उसके सामने था, सीधे एक कोने में मुड़ गया और दूसरे हॉल में चला गया। येजीवेन ने उसका पीछा नहीं किया बल्कि सीधे उस जगह की ओर उन्हें जहाँ किनली और जून दिन लड़ रहे थे, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा खजाना होना चाहिए। इस समय झानमिंग येजीवेन के साथ जाने की हिम्मत कैसे करेगा? यदि यह संभव होता तो येजीवेन उसे रास्ते में मार देने से गुरेज नहीं करती। ये दोनों मुश्किल से ही येजीवेन के खिलाफ लड़ सकते थे, एक व्यक्ति की तो बात ही छोड़ दें। यह हॉल अतुलनीय रूप से चौड़ा था और इसे डार्क हॉल कहा जाता था। डार्क पैलेस में प्रवेश करने पर येजीवेन ने तुरंत महसूस किया कि अनंत अंधकार की आभा अचानक से घनी हो गई थी। इसने एक अत्यंत भयावह दबाव बना लिया था जो सभी दिशाओं में फैल गया था। किसी के लिए भी उस तक पहुँचना बेहद मुश्किल हो गया था। इस समय यहाँ तक राजकुमारी तियानक्विंग, जिसने गहन जीवन क्षेत्र में प्रवेश किया था, पहले से ही परिधि से मजबूत दबाव महसूस कर सकती थी और यहाँ तक घुटन की भावना भी महसूस कर सकती थी। येजीवेन के शरीर के चारों ओर प्रकाश की सुनहरी किरणें दिखाई देने लगी, जिससे एक डोमेन बन गया। हालांकि यह डोमेन उतना विस्तार नहीं कर सका जितना आमतौर पर हो सकता है। वास्तव में यह केवल 100 मीटर से कम की दूरी ही बनाए रख सकता था। हालांकि उनके लिए इस डोमेन में घूमना काफी था। येजीवेन बिल्कुल नहीं रुकी और सीधे अंदर चली गई। उसने देखा कि यह एक अतुलनीय बड़ा हॉल था। हॉल के ऊपर चारों ओर कई अंधेरे उपकरण रखे गए थे जो लगातार प्रकाश की भयानक किरणें और घातक आभा फैला रहे थे। यह अज्ञात था कि इतने बड़े जबरदस्ती को बनाने के लिए इन अनगिनत उपकरणों को कितने वर्षों तक संग्रहित किया गया था। इन उपकरणों में से किसी एक को अमूल्य कहा जा सकता है और उनमें से केवल कुछ जोड़े गए ड्रैगन की नस के मूल्य के लायक होंगे। इसके अलावा एक नजर में हजारों यंत्र थे। यह एक शस्त्रागार नहीं हो सकता है ना? येजीवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कहा, अब जब आपने इसे इस तरह से रखा है तो वास्तव में ऐसा हो सकता है। यह अफवाह है कि डार्कनेस मास्टर ऑफ अंडेड स्पिरिट्स के आदेश के तहत एक जनरल है। उस समय जब मास्टर ऑफ अंडेड स्पिरिट्स युद्ध छेड़ रहा था, दुनिया डार्कनेस मास्टर ने खुद एक सेना का नेतृत्व किया। यह अत्यधिक संभव है कि यह स्थान एक शस्त्रागार हो, अन्यथा यहाँ इतने जादुई हथियार नहीं होते।
राजकुमारी तियानकिंग ने सिर हिलाया और कहा, इसके अलावा यह बहुत स्पष्ट है कि इन जादुई उपकरणों को एक विशाल संरचना में व्यवस्थित किया गया है। उनके दमनकारी आभा एक साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए वे इतने शक्तिशाली हैं। गहन जीवन अवस्था के विशेषज्ञों को भी चलने में कठिनाई होती है। अगर यह किंग रैंड का विशेषज्ञ होता तो मुझे डर है कि जैसे ही वे दाखिल हुए वह एक खूनी धुंध में फट गया होता। ये क्षीण भावना के साथ आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। ये सभी गहन क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा उपयोग किए जाने वाले गहन हथियार थे। हजारों गहरे क्षेत्र के विशेषज्ञ हजारों गहन हथियारों को बांटने के लिए पर्याप्त थे। यहाँ तक राजाओं के उदय के युग में भी यह अभी भी एक शक्तिशाली शक्ति थी जो सभी दिशाओं में फैल सकती थी। ये जीवेन को और भी आश्चर्य हुआ कि हॉल के केंद्र में एक विशाल सिंहासन पर एक विशाल लाश बैठी हुई थी। उसने देखा कि यह विशाल सिंहासन असंख्य दियों से घिरा हुआ है। ये दिए अंधेरे भूत की लपटों से झिलमिला रहे थे। वे बहुत समय पहले से जल रहे थे, लेकिन इतने सालों के बाद इन अंतहीन अंधेरे भूतों की लपटों ने अभी भी बुझने का कोई संकेत नहीं दिखाया। यह है गोस्ट हॉट फ्लेम। इस समय येमू अचानक चिल्लाया, ये जीवेन तुम अमीर बनने जा रहे हो। हाहाहा, यह गोस्ट हॉट फ्लेम है। यह क्या है, ये जीवेन ने पूछा। यह एक बहुत ही दुर्लभ लॉ है और इस तरह की लॉ को सामान्य तरीकों से परिष्कृत नहीं किया जा सकता है। यह प्रेत साधना के अभ्यास के लिए एक सर्वोच्च खजाना है। कहा जाता है कि इस लॉ ने अनगिनत भूतों के हृदय की ज्वाला को अवशोषित कर लिया है। यह है अनगिनत भूतों की बुद्धि। इसलिए यदि आप गोस्ट हॉट फ्लेम को प्रज्वलित करते हैं तो ऐसा लगता है कि अनगिनत लोग आपके लिए सोच रहे हैं। आप जल्दी से किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। इसलिए इस गोस्ट हॉट फ्लेम का उपयोग खेती को बढ़ावा देने के लिए भी किया जाता है, येमू ने झट से कहा। हालांकि मैंने दानव राजा के खजाने में इनमें से कुछ ही लपटें देखी हैं। यहां तक दानव राजा के पास इतनी सारी भूत दिल की लपटों को इकट्ठा करने के लिए जगह नहीं थी। इसके अलावा दानव के स्तर पर किंग द गोस्ट हॉट फ्लेम मूल रूप से उसके लिए बेकार है। ये सिर्फ एक साधारण लॉ है, इसलिए उनमें से बहुत से नहीं है। हालांकि इस गोस्ट हॉट फ्लेम का राजा स्तर के बिजली घरों या देवताओं के लिए भी चमत्कारी प्रभाव है। राजा स्तर के शक्तिशाली लोगों से नीचे के लोगों के लिए वे छलांग और सीमा से आगे बढ़ेंगे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यहाँ इतने सारे गोस्ट हॉट फ्लेम्स हैं। हाहा, ये जीवेन तुम अमीर बनने जा रहे हो। येमो ने जिस गोस्ट हॉट फ्लेम का जिक्र किया था उसकी तुलना में ये जीवेन इस बात को लेकर ज्यादा चिंतित थी कि कौन इतना खर्चीला है कि उसके पास इतने सारे गोस्ट हॉट फ्लेम्स हैं। येमो के अनुसार बाहरी दुनिया में एक गोस्ट हॉट फ्लेम पहले से ही बहुत दुर्लभ था। उसकी टकटकी गोस्ट हॉट फायर के माध्यम से चुप गई और सिंहासन पर क्रॉस लेग बैठी लंबी आकृति पर जा गिरी। गोस्ट हॉट फ्लेम वास्तव में गोस्ट हॉट फ्लेम है, राजकुमारी तियानकिंग ने अचानक अपना दिमाग खो दिया। मैंने हमेशा सोचा था कि यह सिर्फ एक किंवदंती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह डार्क पैलेस वास्तव में मौजूद है और यह गोस्ट हॉट फ्लेम वास्तव में मौजूद है। आप इस गोस्ट हॉट फ्लेम की उत्पत्ति को जानते हैं, ये क्षीण ने देखा कि वह जानती थी, इसलिए उसने जल्दी से पूछा। हाँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यह अंधेरे के भगवान का शयन कक्ष होना चाहिए। हमारे अंधेरे देश के पूर्वजों ने एक बार इस जगह में प्रवेश किया था और हमारे देश के अंधेरे की संरक्षक कलाकृति यहाँ प्राप्त की थी, राजकुमारी तियानकिंग ने कहा। गोस्ट हॉट फ्लेम कितना कीमती है, भले ही हमारा डार्क नेशन अंडेड सोल एबिस के करीब हो और अंतहीन मृत जीव और भूत हो, हम यह कहने की हिम्मत नहीं करते कि कितने गोस्ट हॉट फ्लेम्स हैं। मैंने केवल डार्क पैलेस के पुश्तैनी मंदिर में एक गोस्ट हॉट फ्लेम देखा है। कहा जाता है कि हमारे पूर्वजों ने इसे डार्क पैलेस से प्राप्त किया था। यह प्राचीन काल से जल रहा है और अब तक यह जलना बंद नहीं हुआ है। अब वह स्थान हमारे शाही परिवार के लिए सबसे वांछित स्थान है, लेकिन केवल वे ही इसे समझने के योग्य हैं जिन्होंने महान योगदान दिया है। हमारे शाही परिवार की प्राचीन किताबों में एक बार उल्लेख किया गया था कि डार्क पैलेस में साल भर अनगिनत गोस्ट हॉट फ्लेम जलते रहते हैं। हमारे पूर्वजों ने बहुत प्रयास किया लेकिन केवल एक को वापस लाने में कामयाब रहे। इसके अलावा यह कहा जाता है कि वे देवताओं द्वारा शापित थे और उसके कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। राजकुमारी तियानकिंग अभी भी अतुलनीय रूप से हैरान थी। मुझे पहले तो विश्वास नहीं हुआ, यह सिर्फ बकवास था। गोस्ट हॉट फ्लेम असुर कबीले में भी एक बहुत ही दुर्लभ खजाना है। अगर हमारे महल में कोई जलता हुआ न होता तो मैं इसके बारे में सुन भी नहीं पाता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शाही परिवार की प्राचीन पुस्तकें वास्तव में सच होंगी। फिर क्या आपके शाही परिवार की प्राचीन पुस्तकों में कोई रिकॉर्ड है? यह व्यक्ति कौन है, ये जीवेन ने सिंहासन पर बैठे व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा। कोई रिकॉर्ड नहीं है, हालांकि हमारे शाही परिवार के प्राचीन अभिलेखों के रिकॉर्ड के अनुसार हमारे संस्थापक पूर्वज एक बार एक संदेश छोड़ गए थे। उस अटकल के अनुसार यह बहुत संभव है कि यह व्यक्ति मृतक डार्कनेस मास्टर हो। ऐसा लगता है कि एक शक्तिशाली दुश्मन के साथ एक बड़ी लड़ाई का अनुभव करने के बाद वह आखिरकार डार्कनेस पैलेस में मर गया, राजकुमारी तियानकिंग ने अनुमान लगाया।
ये जीवन ने अचानक मुंह भर ठंडी हवा अंदर खींच ली। डार्क लॉर्ड किस तरह का अस्तित्व था? वह एक देवता था। उसने पतित देवताओं के बारे में बहुत सुना था। उसने एक देवता को मारने के लिए येमो से भी हाथ मिलाया था और उसके लाभों से उसे धोखा दिया था। हालांकि उसने कभी किसी देवता का असली शरीर नहीं देखा था। अगर यह सच था तो इस बार उसने वास्तव में इसे समृद्ध बना दिया था। एक देवता की लाश की तुलना में घोस्ट हॉट फ्लेम कुछ भी नहीं था। अगर उसके पास दुगना भी होता तब भी उसकी तुलना किसी देवता के शव से नहीं की जा सकती थी। एक भगवान क्या था? यह दुनिया में सबसे बड़ा अस्तित्व था। यह एक अमर जीवन था जिसने तीन लोकों को पार कर लिया था और यह पांच तत्वों से संबंधित नहीं था। इतने बड़े अस्तित्व के लिए दुनिया के कानून कुछ नहीं कर सकते थे। उनका मांस ही दुनिया का सबसे रहस्यमय अस्तित्व था। हालांकि यक्षवेन ने सिंहासन पर पालथी मारकर बैठी लाश को देखा। ऐसा लग रहा था कि यह मुरझाने और पतला होने लगा है। ऐसा लगता था कि अनगिनत वर्षों के बाद किसी देवता की लाश को भी समय ने क्षत विक्षत करना शुरू कर दिया था। कुछ गड़बड़ है। येजीवेन को तुरंत पता चला कि कुछ गड़बड़ है। यदि यह एक ईश्वर है तो इसका क्षय होना बिल्कुल असंभव है। ईश्वर एक ऐसा अस्तित्व है जो जीवन और मृत्यु के बंधनों से पहले ही टूट चुका है। यह एक ऐसा अस्तित्व है जो समय के नियंत्रण से परे है। भले ही वे मर गए हों, उनका मांस बिल्कुल नहीं सड़ेगा। उनका मांस भी सदा के लिए रहेगा और जब तक संसार रहेगा। एक विशेषज्ञ जितना अधिक शक्तिशाली होता है वह मरने के बाद उतने ही अधिक समय तक टिक पाता है। एक ऐसे जीवन के लिए जो पहले से ही एक देवता की तरह नश्वर दुनिया को पार कर चुका था, वहां क्षय जैसी कोई चीज नहीं थी। उनके शब्द कानून थे। यहां तक जब वे मर गए तो उनके शरीर पर कानून स्वचालित रूप से विश्व की शक्ति को आकर्षित करेगा और एक प्राकृतिक मकबरे का निर्माण करेगा। यह किसी भी विशेषज्ञ को दाव पुष्टिकरण दायरे से नीचे दफनाने के लिए पर्याप्त था। भले ही वह मृत देवता ही क्यों न हो, उनकी लाशों के पास नहीं जाया जा सकता था। उनका अपमान नहीं किया जा सकता था। भले ही वे मर गए हों, उनके शरीर के आसपास के कानून एक गहन मृत्यु क्षेत्र विशेषज्ञ को मारने के लिए पर्याप्त थे। हालांकि वह एक दिव्य राज्य का कोई संकेत नहीं देख सकता था। हालांकि अनगिनत घोस्ट हॉट फ्लेम्स थे जो बहुत प्रभावशाली लग रहे थे, फिर भी इसका कोई मतलब नहीं था। यह सही नहीं है। यह वास्तव में एक भगवान है, येमो की आवाज सुनाई दी। ईश्वर अमर और शाश्वत है क्योंकि उन्होंने अपना दिव्य साम्राज्य बना लिया है। वह उनकी अपनी दुनिया है। उस दुनिया में उन्होंने अपने नियम और कानून बनाए हैं। वे अपने स्वयं के दिव्य साम्राज्य में एकीकृत हो गए हैं, इसलिए वे इसके द्वारा नियंत्रित नहीं है बाहरी दुनिया के नियम। इस प्रकार वे तीन लोकों से बाहर कूद गए हैं और अब पंच तत्वों के भीतर नहीं है। यह दाव पुष्टिकरण क्षेत्र भी है और वे जीवन और मृत्यु के नियंत्रण से अलग हो गए हैं। हालांकि इस डार्क लॉर्ड के शरीर पर कानून पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। इन्हें किसी ने जबरदस्ती तोड़ा था, इसलिए ये ऐसे हो गए हैं। मैं अभी भी कानूनों की कुछ बची हुई आभा महसूस कर सकता हूँ। हालांकि बहुत कुछ बचा नहीं है, यह अभी भी भयानक है, येमो ने कहा। अगर हम इससे अनुमान लगाते हैं तो सब कुछ समझ में आता है। यहाँ इतने सारे घोस्ट हॉट फ्लेम्स कैसे हो सकते हैं? डेड स्पिरिट लॉर्ड जैसे भगवान के अलावा जो मृत आत्माओं और उसके अधीनस्थों को नियंत्रित करता है, कोई और कैसे इतने सारे घोस्ट हॉट फ्लेम्स को इकट्ठा कर सकता है? मुझे डर है कि इन घोस्ट हॉट फ्लेम्स का उपयोग डार्क लॉर्ड द्वारा बुराई को दबाने और भूतों को भगाने के लिए भी किया जाता है, येमो ने अपनी आंखें मूंद ली और कहा। एक विशेषज्ञ जितना अधिक शक्तिशाली होता है, उसके जाने के बाद उसके लिए एक जोबी में बदलना उतना ही कठिन होता है। हालांकि एक बार ऐसा हो जाने के बाद यह एक बड़ी आपदा होगी। उन बुरी आत्माओं के बाद पैदा हुए हैं, वे दूसरे प्रकार के दुष्ट जीवन बन जाएंगे। एक बार जब वे पैदा हो जाते हैं तो यह सारे संसार के लिए एक आपदा होगी। मूल रूप से किसी देवता का अस्तित्व होना असंभव है। यहाँ तक अगर वे मर भी जाते हैं तो उनके शरीर पर मौजूद कानून सभी बुरी आत्माओं को दबाने के लिए काफी है, इसलिए उन्हें इस बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि डार्क लॉर्ड के शरीर पर कानून किसी के द्वारा बिखर गए हैं। हालांकि संभावना बहुत कम है, फिर भी उसके लिए एक जोबी में बदलना संभव है। यह कुछ ऐसा है जिसे कोई अमर विशेषज्ञ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसका धार्मिकता या बुराई से कोई लेना देना नहीं है। इतना महान और महान प्राणी कभी भी अपने शरीर को उन नीच प्राणियों द्वारा अपवित्र और नियंत्रित नहीं होने देगा। और घोस्ट हॉट फ्लेम्स बुराई को दबाने और भूतों को भगाने के लिए सबसे अच्छी वस्तु है। घोस्ट हॉट फ्लेम्स के दमन के साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी। कोई आश्चर्य नहीं, येमो का लहजा आत्मज्ञान की भावना से भरा था। येक्षवेन को गहरा सदमा लगा। वह शायद नहीं जानता होगा कि अतीत में एक अमर शीर्षक राजा विशेषज्ञ कितना भयानक था। हालांकि वह अब इसे महसूस कर सकता था। केवल एक रसातल दानव मास्टर जिसे अभी दाव मान्यता प्राप्त करनी थी, उसने पहले ही पूरे प्राचीन बैरेंस महाद्वीप को उल्टा कर दिया था। यह ऐसा था मानो वह पूरे प्राचीन बैरेंस महाद्वीप को जीतने वाला था।
ऐसे विशेषज्ञ के कानून को किसी ने तोड़ा, उसका अपना दैवीय साम्राज्य बिखर गया और वह यहाँ बुरी तरह से गुजर गया। ऐसी अत्याचारी शक्ति किसके पास हो सकती है? ये चिवेन ने इसके बारे में सोचते ही अपना खून खौलता हुआ महसूस किया। इस दुनिया में अभी भी बहुत सारे शक्तिशाली विशेषज्ञ थे। उसकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। उसके बगल में राजकुमारी तियानकिंग ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और बड़ी मात्रा में घोस्ट हॉट फ्लेम्स को हथियाने वाली थी। इससे पहले कि यक्षिवेन उसे रोक पाता, उसने एक चीख सुनी। फिर उसने राजकुमारी तियानकिंग को एक शक्तिशाली पलटाव द्वारा उड़ते हुए भेजा। अगर यक्षिवेन ने उसे नहीं पकड़ा होता तो उसे हॉल से बाहर उड़ा दिया जाता। हम्फ, यीमो ने तिरस्कार में व्यंग्य किया। इन घोस्ट हॉट फ्लेम्स को पहले से ही एक अत्यंत शक्तिशाली सरणी में व्यवस्थित किया गया है। वे पूरे खजाने के साथ एक हैं। अगर आप घोस्ट हॉट फ्लेम्स पर हमला करना चाहते हैं, तो आपको पूरे हॉल और पूरे खजाने पर हमला करना होगा। आप कैसे सफल हो सकते हैं? यीमो, क्या तुमने हमेशा नहीं कहा कि तुम एक भौतिक शरीर चाहते हो? तुम अंधेरे के भगवान के बारे में क्या सोचते हो? तू जिवेन ने चारों ओर देखा और देखा कि पूरे हॉल में घोस्ट हॉट फायर ने एक प्राकृतिक सरणी बनाने के लिए पूरी तरह से जुड़ा हुआ था। इस व्यूहरचना ने विश्व की शक्ति को उधार लिया था और यह अत्यंत अद्भुत थी। अनगिनत वर्षों के बाद भी यह अभी भी काफी शक्ति रखता है। स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति सबसे विशाल और असीम थी। स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति के विरुद्ध कुछ भी नहीं जा सकता, यहाँ तक कि देवता भी नहीं। अंधेरे के भगवान ने इतने सारे घोस्ट हॉट फ्लेम्स को प्रज्वलित किया था। यह शायद न केवल बुराई को दबाने और भूतों से बचने के लिए था, बल्कि शक्तिशाली जीवित प्राणियों को पास आने से रोकने के लिए भी था। कोई आश्चर्य नहीं कि किनली और जून डिंटियन दोनों ने कुछ नहीं किया, जबकि वे जानते थे कि यह एक विशेषज्ञ की लाश थी। यह इस कारण से निकला, अन्यथा उसे विश्वास नहीं था कि वे दोनों इतने बड़े लाभ को जाने देंगे। यीमो, क्या तुमने हमेशा नहीं कहा कि तुम एक शरीर चाहते हो? तुम अंधेरे के भगवान के बारे में क्या सोचते हो? ये जिवेन को अचानक एक विचार आया। इन बिजली घरों की लाशें इतनी भयानक क्यों थी? इसका कारण यह था कि ये बिजली घर पहले से ही बहुत शक्तिशाली थे, मृत्यु के बाद भी। इसलिए एक बार जब उनकी लाशें बुद्धि विकसित कर लेती हैं, तो वे बहुत जल्दी बहुत शक्तिशाली हो जाती हैं और एक क्षेत्र में तबाही ला देती हैं। दूसरी ओर यदि ये मुंह अंधेरे के भगवान के शरीर में प्रवेश कर सकता है, तो क्या वह जल्दी से एक शक्तिशाली युद्धक शक्ति नहीं बन पाएगा? यह सुनते ही ये मुंह की आंखें चमक उठी। हालांकि अंधेरे के भगवान के कानून और दिव्य साम्राज्य नीचे गिर गए थे, अगर वह शरीर में प्रवेश कर सकता है तो वह जल्दी से एक शक्तिशाली युद्धक शक्ति बन सकता है। उसके लिए रसातल के स्वामी से बदला लेना बहुत आसान होगा। यीमो अभी भी यूलियान की मौत को जाने नहीं दे सका। हालांकि अगर अंधेरे के भगवान के कानूनों और दिव्य साम्राज्य को नष्ट नहीं किया गया होता, तो उन्हें शरीर में प्रवेश करने का मौका नहीं मिलता। अगर वह इसके पास जाता तो वह मौके पर ही नष्ट हो जाता। उसके जैसे टू स्पिरिट के पास भौतिक शरीर नहीं था, वह एक भटकते भूत की तरह था। अगर वह इसके पास जाने की हिम्मत करता तो वह निश्चित रूप से तुरंत मारा जाता। बूम बूम बूम, हॉल के दूसरे छोर पर धमाकों की आवाज सुनी जा सकती थी। किनली और जून डिंटियन के बीच लड़ाई अभी भी चल रही थी और यह अभी खत्म नहीं हुई थी। वे दोनों हॉल में काफी अंदर तक लड़े, मानो वे सचमुच मौत से लड़ने जा रहे हों। उनका रुकने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन ये घोस्ट हॉट फ्लेम्स शायद अब सबसे बड़ी समस्या है। ये जिवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और हल्का सिर दर्द के साथ कहा, एक देवता स्तर के गुरु द्वारा व्यवस्थित संरचना को दोष रहित कहा जा सकता है। इस तरह के गठन में भागना असंभव था। ये सिवेन, तुम जल्दी से अंदर आने की नहीं सोच रहे हो, है ना? इस समय राजकुमारी तियानकिंग घोस्ट हॉट फायर के साथ टकराव के कारण बढ़ते रक्त और क्यूई को शांत करने में मुश्किल से ही कामयाब हुई थी। हाँ, ये शिवेन ने इसे नहीं छुपाया और जल्दी से सिर हिला दिया। वास्तव में यह एक देवता द्वारा छोड़ा गया एक गठन है। ये दोषरहित होना चाहिए था और यहाँ तक मेरे पास जबरदस्ती प्रवेश करने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन क्या आपको याद है कि राजकुमारी तियानकिंग ने कहा था कि उनके पूर्वज ने एक बार यहाँ से घोस्ट हॉट फ्लेम प्राप्त किया था? दूसरे शब्दों में यह गठन अब दोषरहित नहीं है। हालांकि यह थोड़ा मुश्किल है, फिर भी मेरे पास एक रास्ता है, यीमो ने निश्चित उत्तर दिया। यह बहुत अच्छा है। यदि आप अंधेरे के भगवान के मास्क होल में प्रवेश कर सकते हैं, तो आप जल्दी से एक भयानक युद्धक शक्ति बन जाएंगे, ये जिवेन ने उत्साह से कहा। सैद्धांतिक रूप से यह सच है, हालांकि आपको बहुत अधिक उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अगर मैं इस ईश्वरीय खोल में प्रवेश कर जाऊं तो भी मैं किसी देवता की बुनियादी युद्ध शक्ति को प्रदर्शित नहीं कर पाऊंगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके सभी सिद्धांत बिखर गए हैं, तो यह अधिक से अधिक अत्याचारी शरीर के स्तर पर ही है। यीमो ने यक्षिवेन पर एक बाल्टी ठंडा पानी डाला। उसे लग रहा था कि यक्षिवेन क्या सोच रहा है, वह जानता है। यक्षिवेन थोड़ी निराश थी। यह वैसा ही था जैसा यीमो ने सोचा था।
उसने सोचा था कि येमू अंधेरे के भगवान के भौतिक शरीर पर जल्दी से काबू पाने और शक्तिशाली युद्ध शक्ति का प्रदर्शन करने में सक्षम होगा। वह भगवान के स्तर तक भी पहुंच सकता है। अगर ऐसा होता तो वह स्कोर तय करने के लिए तुरंत एबिस डेविल मास्टर की तलाश कर पाता। यहाँ तक अगर एबिस डेविल मास्टर ने खुद को साबित कर दिया था तो डरने की कोई बात नहीं थी। दुर्भाग्य से येमू की अभिव्यक्ति को देखते हुए ऐसा होना असंभव था। मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि मैं इस दैवीय खोल पर नियंत्रण नहीं कर लेता, इससे पहले कि मैं जान सकूं कि मैं किस प्रकार की लड़ाकू शक्ति को उजागर कर सकता हूं। इसके अलावा अगर मैं दैवीय खोल को अपने नियंत्रण में ले भी लेता हूं, तो मुझे अपनी साधना को कदम दर कदम फिर से शुरू करना होगा। येमू ने शांति से कहा। वह अभी तक इन चीजों से अभिभूत नहीं हुआ था। हालांकि मुझे इस गठन के रहस्यों को कम करने के लिए उस रहस्यमय स्थान का उपयोग करने की आवश्यकता है, येमू ने कहा। ठीक है, तू जिविन ने संकोच नहीं किया और तुरंत अनुमान लगाना शुरू कर दिया। यह एक देवता द्वारा स्थापित एक संरचना थी। यहाँ तक अगर यह सिर्फ एक साधारण कटौती थी तो यह बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक क्यूई का उपभोग करेगी। इस प्रकार यह एक पल में जलकर राख हो जाएगा। उसी समय गठन के बारे में ये जिविन की समझ बढ़ती रही। हालांकि वह गठन में विशेषज्ञ नहीं था, फिर भी उसे गठन की कुछ समझ थी। हालांकि उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उनकी खेती का आधार सिर्फ एरे फॉर्मेशन दाव को कम करके टूटने के संकेत दे रहा था। जैसा कह रहा है, एक विधि को महारत हासिल करने से सभी विधियां होती हैं। उसकी साधना और गठन की समझ बढ़ती रही और उसने वास्तव में एक सफलता के संकेत दिखाए। यह सोचकर वह किनली और जून डिंटियन के बीच की लड़ाई में हस्तक्षेप करने की जल्दी में नहीं था। इसके बजाय वह रहस्यमय रचना को निकालने की पूरी कोशिश करता रहा। राजकुमारी तियानकिंग ने अपने बगल वाले व्यक्ति को आश्चर्य से देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ निकाल रहे हैं। हर मिनट और हर सेकंड उनके शरीर में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन हो रहा था। यह परिवर्तन लगातार उसकी आभा में परिलक्षित होता था, उसके स्वभाव में सुधार होता था और उसे और अधिक आत्मविश्वासी बनाता था। वह नहीं जानता था कि किस प्रकार का ज्ञान इतने कम समय में उसके स्वभाव को इतना बदल सकता है। फिर उसने ये जिविन को घोस्ट हॉट फायर फॉर्मेशन की ओर कदम दर कदम चलते देखा। एक कदम, दो कदम, हालांकि यह बहुत अधिक नहीं था, लेकिन उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि ये जिविन घोस्ट हॉट फायर फॉर्मेशन द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया था। इसके विपरीत वह इसके साथ थोड़ा सा जुड़ा हुआ लग रहा था। वह चौंक गई क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि इस गठन ने बाहरी लोगों को कितना खदेड़ दिया। यह भी कहा जा सकता है कि इसके करीब जाने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन ये जिविन वास्तव में कदम दर कदम इसके करीब पहुंचने में सक्षम थी और पूरे घोस्ट हॉट फायर फॉर्मेशन से गुजरी। उसके लिए यह किसी चमत्कार को देखने जैसा था। ये शिविन के आसपास ऐसा लगता था कि किसी भी समय कई चमत्कार हो रहे थे। हालांकि ये चमत्कार उसकी आत्मा को लगातार झकझोर रहे थे। वह लगातार एक के बाद एक काम पूरा कर रहा था। उनकी राय में चीजों को पूरा करना उनके लिए असंभव होना चाहिए। वह सिर्फ एक राक्षस था। हाँ, इस समय ऐसा लगा कि उसका वर्णन करने का सबसे अच्छा तरीका उसे राक्षस कहना था। उसने येक्षिवेन की आंखों में एक जटिल नजर से देखा। अंत में उसने अपना मन बनाया और चली गई। वह हॉल के दूसरे कोने में सीधे मार्ग की ओर उड़ गई, जैसे कि वह कुछ जानती हो। जबकि येक्षिवेन लगातार पूरे घोस्ट हॉट फायर फॉर्मेशन का अनुमान लगा रही थी, साथ ही साथ वह अपने आसपास की स्थिति पर भी ध्यान दे रही थी। इस तरह की मल्टीटास्किंग उनके लिए कोई समस्या नहीं थी। यह देखकर कि राजकुमारी तियानकिंग जा रही है, उसने उसे नहीं रोका। वह समझ गया कि राजकुमारी तियानकिंग ने उसे बोर्ड पर लाने के लिए बहुत सारे लाभों का वादा किया था। उसका कोई गुप्त उद्देश्य कैसे नहीं हो सकता था। यह सिर्फ इतना था कि वह उसके खिलाफ साजिश नहीं कर रही थी। अंधेरे के भगवान के खजाने के घर में कुछ ऐसा होना चाहिए जिसकी उसे वास्तव में आवश्यकता हो। यहाँ तक इसे प्राप्त करने के लिए राष्ट्र की दिव्य शिल्पकृति का भी उपयोग नहीं किया जा सकता था। जल्द या बाद में उनका गठबंधन अलग हो जाएगा। इसमें कुछ भी अजीब नहीं था। इसके अलावा वह इस समय खुद को अलग नहीं कर सका। वह केवल घोस्ट हॉट फायर फॉर्मेशन के रहस्य को पूरी तरह से कम कर सकता था। यह इस बात से संबंधित था कि क्या येमू प्रभु परमेश्वर की खोल में प्रवेश कर सकता है। उसके लिए यह रसातल शैतान भगवान के खिलाफ भविष्य की लड़ाई से संबंधित था। यह अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसकी तुलना में जून डिंटियन और किनली कुछ भी नहीं थे। एक कदम, एक कदम, एक कदम, उन्होंने घोस्ट हॉट फायर फॉर्मेशन के माध्यम से लगातार शटल किया। उनके द्वारा उठाया गया हर कदम इस बात का प्रतिनिधित्व करता था कि गठन और गठन दाव की उनकी समझ एक नए स्तर पर चढ़ गई थी। उसकी गति चौंकाने वाली तेज थी, मानो वह बिल्कुल ही नहीं रुका। वह कदम दर कदम आगे बढ़ता गया, लेकिन साथ ही उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा भी चौंकाने वाले स्तर पर पहुंच गई थी। यहां तक उसके जैसे उड़ाव व्यक्ति के लिए भी, जो अक्सर पैसे बर्बाद करता था, उसके दिल में अभी भी दर्द महसूस होता था।
हालांकि यह उतना नहीं था जितना कि जब वह स्वर्गीय सम्राट डिवाइन फिस्ट निकाल रहा था, यह धीरे धीरे उसकी संपत्ति को सुखाने के लिए पर्याप्त था। जितना अधिक उसने निष्कर्ष निकाला उतना ही वह चौंक गया, जितना अधिक वह अंधेरे के भगवान की शक्ति को समझ गया। यहाँ तक अगर वह गठन ताओ के माध्यम से केवल भगवान की शक्ति का थोड़ा सा भी अनुमान लगा सकता है तो यह पहले से ही काफी चौंकाने वाला था। एक के बाद एक ड्रैगन वेन्स, वह धन जिसे उसने महसूस किया कि अतीत में समाप्त नहीं किया जा सकता था, इस समय खतरनाक गति से पागल हो रहा था। आखिरकार एक अज्ञात समय के बाद वह आखिरकार पूरे घोस्ट हॉट फायर फॉर्मेशन से गुजरा। जिस क्षण वह घोस्ट हॉट फायर फॉर्मेशन से गुजरा, एक शक्तिशाली दबाव बह गया जिससे वह एक पल में जाग गया। उस क्षण उसे लगा कि अंधेरे का स्वामी वापस जीवन में आ रहा है और उसे देख रहा है। तुरंत वह ठंडे पसीने में बह गया और उसे अपनी पीठ के नीचे ठंडक महसूस हुई। यदि अंधेरे का भगवान अभी भी जीवित होता तो वह शायद सिर्फ एक नजर से गिर जाता। उसने फिर से देखा और महसूस किया कि स्वर्गीय युवान क्षेत्र में धन लगभग समाप्त हो गया था। हालांकि उसी समय उन्होंने घोस्ट हॉट फायर फॉर्मेशन के रहस्यों को पूरी तरह से समझ लिया था, अन्यथा वह इसे एकीकृत करने में सक्षम नहीं होता। इसलिए हालांकि उन्होंने बड़ी मात्रा में धन समाप्त कर दिया था, फिर भी उन्हें लगा कि यह इसके लायक है। गठन को समझने के बाद उन्होंने महसूस किया कि उनके साधना क्षेत्र में बहुत सुधार हुआ है। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि वह गहन मृत्यु लोक में पहुंच गया था। यह एक संकेत था कि वह पूरी तरह से गहन जीवन क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया था। इसे भेस में आशीर्वाद माना जा सकता है। इस समय उसके शरीर में एक चौंकाने वाली राक्षसी आभा एक आकृति में बदल गई और सीधे सिंहासन पर भगवान के अंधेरे के दिव्य खोल में घुस गई। जिस क्षण ये मुंह ने परमेश्वर के खोल में प्रवेश किया, परमेश्वर के खोल से प्रकाश की एक शक्तिशाली किरण निकली और पूरे क्षेत्र को घेर लिया। धिक्कार है ये जिवेन, यह बुरा है, इस दिव्य खोल ने पहले ही आध्यात्मिक बुद्धि को जन्म दे दिया है। अंदर से ये मुंह की आवाज आई। ये जिवेन को अचानक लगा कि उसकी पीठ से ठंडा पसीना टपक रहा है। इस दिव्य खोल ने वास्तव में आध्यात्मिक बुद्धि को जन्म दिया था। दूसरे शब्दों में एक लाश के वापस जीवन में आने की संभावना थी। यदि किसी देवता का शव वापस जीवित हो जाता है तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। भले ही यह उतना भयानक नहीं था जितना कि जब यह जीवित था, तब भी यह उसे आसानी से चीर कर अलग कर सकता था। फिर संपूर्ण दिव्य खोल घातक ऊर्जा और राक्षसी ऊर्जा से फट गया। ये जिवेन बता सकती है कि शैतानी ऊर्जा ये मुंह की विशेष घातक ऊर्जा के लिए, यह स्पष्ट था कि यह अंधेरे के भगवान के आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित थी। भले ही आध्यात्मिक बुद्धि अभी भी बहुत कमजोर थी, यह शरीर से ही पैदा हुई थी। यह प्राकृतिक गुरु था, ये मुंह एक बाहरी व्यक्ति था। इस समय उसके लिए निष्कासित किया जाना बहुत आसान था। मानव शरीर मूल रूप से बहुत जटिल था, इसमें ब्रह्मांड की सच्चाई समाहित थी। यहाँ तक एक पूर्ण बिजली घर को भी कई वर्जनाओं का सामना करना पड़ेगा यदि वे शरीर पर कब्जा करना चाहते हैं। वे पलटवार भी झेल सकते हैं और नष्ट हो सकते हैं। इस समय ये मुंह और नई आध्यात्मिक बुद्धि टकराए। दोनों दलों की ताकत इतनी मजबूत नहीं थी कि अंधेरे के भगवान के शरीर को फोड़ सके। इसके बजाय उन्होंने इस जगह को युद्ध के मैदान के रूप में माना। ऐसा लगता है कि ये मुंह के प्रवेश ने मूल आध्यात्मिक बुद्धि की लय को बाधित कर दिया है। हालांकि आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता का प्रतिनिधित्व करने वाली घातक आभा का अभी भी पूर्ण ऊपरी हाथ था। जैसे ही ये जिवेन सदमे में थी, उसने अचानक उस लाश को देखा जो मूल रूप से अपनी आंखें बंद करके सिंहासन पर पालथी मारकर बैठी थी, अचानक बाहर निकली और एक बड़े हाथ ने सीधे ये जिवेन की गर्दन को पकड़ लिया। स्टील जैसा बड़ा हाथ अंतरिक्ष को अलग कर देता है। ऐसा लग रहा था जैसे यह पूरी दुनिया को एक पल में टुकड़े टुकड़े कर देने वाला है। ये जिवेन चौंक गई। उसने जल्दी से सुनहरी लहरों पर कदम रखा और उसका फिगर लगातार टिमटिमाता रहा। वह अपने पीछे घोस्ट हॉट फायर एरे में कूद गया। यह बड़ा हाथ साई की तरह उसके पीछे पीछे चलता था। ये जिवेन ने चाहे जिस तरह से जगह बनाई हो या वह कैसे चकमा देता था, यह बेकार था। वह इससे बच नहीं सका। वह केवल इस बड़े हाथ को और करीब आते देख सकता था। जैसे ही ये जिवेन इस विशाल हाथ से पकड़ने वाला था, उसने अचानक देखा कि अंधेरे के भगवान का शरीर अचानक अंतहीन दानव ऊर्जा से ढक गया था। घनी दानव ऊर्जा भड़क उठी और विशाल हाथ बीच हवा में रुक गया। ये जिवेन सांस लेने के लिए खुद को रोक नहीं सकी। उसकी गर्दन लगभग टूट चुकी थी। यह अमर की लाश थी। कानून के संरक्षण के बिना भी यह अभी भी एक अविनाशी और बेदाग अस्तित्व था। चाहे वह उसका अत्याचारी शरीर ही क्यों न हो, यदि वह पकड़ा जाता तो उसकी गर्दन मौके पर ही तोड़ दी जाती। कोई और संभावना नहीं थी। वह बता सकता था कि येमो भौतिक शरीर पर नियंत्रण के लिए आध्यात्मिक बुद्धि से लड़ रहा था। इस समय येमो के अचानक गुस्से ने उसे अंधेरे के भगवान के भौतिक शरीर पर नियंत्रण हासिल करने की अनुमति दी थी। वास्तव में कुछ ही समय बाद अंधेरे के स्वामी के शरीर से अधिक घातक आभा उभरी और इसने ऊपरी हाथ वापस पा लिया। ये जिवेन दिव्य खोल में आध्यात्मिक बुद्धि आकार लेने वाली है।
इसके अलावा यह दिव्य खोल के साथ विलीन होने वाली है, कहा येमो। उसकी आवाज में थोड़ी चिंता थी। क्या यह नहीं कहा गया है कि गोस्ट हॉट फायर बुराई को दबाने और भूतों को भगाने के लिए इसकी रक्षा कर रहा है, तो यह किसी भी बुरी चीज का उत्पादन नहीं करेगा, ये जिवेन ने पूछा। मुझे नहीं पता, कुछ गलत हो गया होगा। हालांकि यह गोस्ट हॉट फायर के संरक्षण के कारण ठीक है, नहीं तो इतने लंबे समय के बाद यह एक लाश में बदल गया होता। येमो को यह भी नहीं पता था कि वास्तव में क्या गलत हुआ था जिसने आध्यात्मिक बुद्धि को दिव्य खोल में जन्म लेने दिया। वास्तविक प्राथमिकता अब इस आध्यात्मिक बुद्धि को दबाने की है, अन्यथा मैं भी इसके द्वारा खा जाऊंगा और इसका पोषक बन जाऊंगा। इसके विपरीत अगर मैं इसे खा सकता हूं, तो मैं इसके साथ विलय कर सकता हूं। उस मामले में दिव्य खोल जीत गया, मुझे रिजेक्ट मत करो। उस स्थिति में मेरे लिए दिव्य खोल को पूरी तरह से नियंत्रित करने का समय बहुत कम हो जाएगा। चलो यह करते हैं, ये जिवेन ने बिना किसी झिझक के तुरंत कार्रवाई की। उसके शरीर से एक सील शब्द निकला और एक विशाल छाया में बदल गया। यह अंधेरे के भगवान के दिव्य खोल को हथियाने वाला था। हालांकि एक पल में आसपास के नियम धराशायी हो गए। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा चौंक गया। यह पहली बार था जब उनका मुहर शब्द पूरी तरह विफल हो गया था। ये जिवेन, आपके छद्म दाओ रूंस बेकार है। छद्म दाओ रूंस उन लोगों द्वारा संघनित है जो दाओ दायरे में नहीं पहुंचे हैं। उन लोगों की मार्शल आर्ट की समझ का उपयोग करना असंभव है जो दाओ क्षेत्र के बिजलीघर को दबाने के लिए दाओ क्षेत्र तक नहीं पहुंचे हैं, येमो जल्दी से चिल्लाया। हालांकि छद्म दाओ रूंस में दाओ रूंस की कुछ क्षमताएं थी, वे असली दाओ रूंस नहीं थे। उनके साथ एक दाओ दायरे बिजलीघर को दबाना असंभव था। ये शिवेन ने अपनी आंखें टेढ़ी कर ली। सबसे अच्छा उपाय सोचते ही उसके दिमाग में अनगिनत विचार कौंध गए। जल्दी करो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं उसके द्वारा खा लिया जाऊंगा। येमो, ये शिवेन को अचानक कुछ ख्याल आया। उसने अपनी उंगली पर चुटकी ली और शास्त्र का एक पन्ना उसके शरीर से उड़ गया। यह एक विशाल देवता की छवि में बदल गया और अंधेरे के भगवान के शरीर में डाला गया। अचानक सुनहरी रोशनी चमकीली चमक उठी और मौत की आभा जो मजबूत और मजबूत होती जा रही थी दब गई। यह येजिवेन के शरीर में प्राचीन ईश्वर शास्त्र का पृष्ठ था। प्राचीन ईश्वर शास्त्र का यह पृष्ठ जो उन्होंने पांचवें ईश्वर से प्राप्त किया था, उसका एक महान मूल था। उस समय यह अफवाह थी कि यह एक देवता द्वारा छोड़ा गया एक प्राचीन ग्रंथ है। इसने एक देवता की समझ को दर्ज किया। तू जीवेन को उस समय भी कुछ संदेह था, हालांकि उन्हें इस समय कोई संदेह नहीं था। यही एकमात्र संभावना थी। केवल एक देवता का अस्तित्व ही एक देवता को दबा सकता है। प्राचीन ईश्वर शास्त्र की मदद से येमो ने अंधेरे के भगवान के शरीर में एक मजबूत पैर जमा लिया था। वह अब ऐसी स्थिति में नहीं था जहां वह जमीन खो रहा था। दिव्य चेतना की शक्ति के संदर्भ में इस आध्यात्मिक ज्ञान का पोषण हजारों वर्षों से किया जा रहा था। इसने धीरे धीरे अंधकार के देवता के पूरे शरीर में जड़ें जमा ली। अगर इसे इसी तरह विकसित होते रहने दिया गया तो इसे वापस जीवन में आने और अगली पीढ़ी का पावर हाउस बनने में देर नहीं लगेगी। यह अफसोस की बात थी कि ये येजिवेन और येमो से मिले थे। चाहे वह अंधेरे के भगवान के खोल में प्रवेश करना हो या जीवित रहना और अंधेरे के भगवान के खोल को वापस जीवन में आने से रोकना हो, वे इस आध्यात्मिक ज्ञान को कभी भी इस तरह विकसित नहीं होने देंगे। गड़गड़ाहट 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 अंधेरे के भगवान के शरीर में लगातार जोर से विस्फोट हो रहे थे। दोनों पक्षों ने युद्ध के मैदान के रूप में सीधे अंधेरे के भगवान के शरीर का इस्तेमाल किया था। वे लगातार लड़ रहे थे। यह ताकत की सबसे मौलिक प्रतियोगिता थी। दोनों पक्षों के अपने अपने फायदे थे। अंधेरे के भगवान के आध्यात्मिक ज्ञान ने अंधेरे के भगवान के शरीर में जड़ें जमा ली थी। यह एक बड़े लाभ के साथ पैदा हुआ था। दूसरी ओर येमो अनुभवी थी। वह एक बूढ़ा शैतान था जो न जाने कितने वर्षों तक जीवित रहा। इसके अलावा उन्हें प्राचीन ईश्वर शास्त्र की मदद मिली थी। वह ऐसे दुष्ट प्राणियों पर लगाम लगाने में सर्वश्रेष्ठ था। कुछ समय के लिए दोनों पक्ष समान रूप से मेल खाते थे और उनमें कोई अंतर नहीं था। ये जिवेन, आपको हमारे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस आदमी से निपटना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं इसे संभाल सकता हूँ प्राचीन ईश्वर शास्त्र की मदद से। मेरे पास पहले से ही उसे दबाने का एक तरीका है। गोस्ट हॉट फ्लेम फॉर्मेशन के संरक्षण के साथ मेरा मानना कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता है, इसलिए आपको देखने की जरूरत नहीं है। जाओ और अंधेरे के दैवीय हथियार के देश की तलाश करो। भविष्य में एबिस डेविल मास्टर से निपटने के लिए वह कंट्री ऑफ डार्कनेस का दैवीय हथियार मेरे लिए महत्वपूर्ण है। यह जून डिंटियन के हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। अंधेरे के भगवान के शरीर से येमो की आवाज आई। येजिवेन ने अंधकार के देवता के शरीर की स्थिति को देखा। डेविल क्यूई और डेथ क्यूई ने अंधेरे के भगवान के शरीर के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया। अंत में वह येमो के साथ सहमत हो गया। इस समय केवल वे ही थे जो लड़ाई के परिणाम का फैसला कर सकते थे। वह बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं कर सका।
इसके अलावा यह जगह पूरी तरह से घोस्ट हॉट फायर अरे से घिरी हुई थी, इसलिए अन्य लोग आसानी से अंदर नहीं आ सकते थे। हर किसी के पास ये जिविन की क्षमता और वित्तीय संसाधन नहीं थे। उन्होंने वास्तव में पूरे घोस्ट हॉट फायर अरे के रहस्यों को निकाला था। यह सोचकर वह अधिक देर न रहा, उसने अंतरिक्ष को अलग कर दिया और घोस्ट हॉट फायर फॉर्मेशन से गुजरा। फिर वह उस दिशा की ओर उड़ गया जहां किनली और जून डिंटिन लड़ रहे थे। इस समय उन्होंने घोस्ट हॉट फायर फॉर्मेशन के सभी रहस्यों को पहले ही देख लिया था, इसलिए उन्हें बिल्कुल भी संदेह नहीं था। इस समय ऐसा लग रहा था कि जून डिंटिन और किनली के बीच लड़ाई खत्म होने वाली है। किनली का आभा मंडल भी कमजोर हो रहा था, हालांकि उसकी ताकत खराब नहीं थी और स्वर्गीय सम्राट दिव्य मुट्ठी और भी जादुई थी। वह गहन जीवन क्षेत्र के शिखर पर एक साधारण विशेषज्ञ से भी लड़ सकता था। हालांकि यह स्पष्ट था कि जून डिंटिन गहन जीवन क्षेत्र के शिखर पर कोई साधारण विशेषज्ञ नहीं थे। उसकी ताकत भी उसी दायरे के अस्तित्व से बहुत परे थी। थोड़ी ही देर में ये जिविन दोनों पक्षों के युद्ध के मैदान में आ गई थी। हॉल का दूसरा हिस्सा पूरी तरह से युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया था। पूरा हॉल दोनों पक्षों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। शून्य में एक विशाल ध्वज हवा में लहरा रहा था। यह एक उदास झंडा था जो पूरी तरह से काला था। यह एक अजीब सा काला रंग था जो लोगों को ऐसा महसूस कराता था कि वे एक नजर से ही इसमें खींचे जा रहे हैं। यह ध्वज लगातार उतार चढ़ाव की लहरें छोड़ रहा था। उतार चढ़ाव की ये तरंगें सीधे आसपास के स्थान को प्रभावित करती हैं, जिससे आसपास का स्थान एक विशेष डोमेन बनाता है जो आसपास से पूरी तरह से अलग हो जाता है। इस ध्वज के चारों ओर शून्य में दो आकृतियां लगातार टकरा रही थी। इनकी गति इतनी तेज थी कि इसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता था। ये जिविन ने सीधे अपनी क्यूई को अपनी आंखों की ओर निर्देशित किया और अपनी स्वर्गीय आंख खोली। एक नजर में वह देख सकता था कि टकराने वाली दो आकृतियां कोई और नहीं बल्कि जून डिंगटन और किनली थे। टकराना, एक तेज गर्जना के साथ किनली को सीधे उड़ा दिया गया। वह सीधे हॉल की जमीन में जा गिरा, जिससे एक बड़ा गड्ढा हो गया। कश, किनली ने मुंह से खून निकाला। उसका शरीर जमीन पर कई बार फड़फड़ाया, लेकिन अंत में वह उठ नहीं सका। उनका शरीर भी असाधारण था। मार्शल ग्रेड सेक्ट की शक्तिशाली शारीरिक साधना तकनीक ने उन्हें अपने साथियों के बीच लगभग अजेय बना दिया। किसने उम्मीद की होगी कि जून डिंटेन के हाथों उसे इतना बड़ा नुकसान होगा। जून डिंटेन की पृष्ठभूमि अज्ञात थी। यहाँ तक राजकुमारी तियानकिंग, जिसे ये जिविन सर्वशक्तिमान समझते थे, भी अनजान थी। फिर भी वह इन प्रतिभाओं को पूरी तरह दबाने में सक्षम था। कोई केवल कल्पना कर सकता है कि उसकी ताकत कितनी अत्याचारी थी। ये जिविन की तुलना में जून डिंटेन एक अपरंपरागत व्यक्ति की तरह अधिक था, जिसके पास कोई विरासत नहीं थी। आखिरकार ये जिविन ये परिवार से था, इसलिए वह पूरी तरह से गुरु के बिना नहीं था। केवल जून डिंटेन की पृष्ठभूमि से हर कोई अनजान था, अन्यथा जून डिंटेन की ताकत से बड़ी ताकतें इतनी हैरान नहीं होंगी। हालांकि वे नहीं जानते थे कि जून डिंटेन कहां से आया था, यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि उसके पास बहुत शक्तिशाली विरासत होनी चाहिए, अन्यथा उसके लिए किनली और अन्य लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करना असंभव होगा। किनली के अलावा अन्य मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर विशेषज्ञ पहले ही जमीन पर गिर चुके थे और दर्द से कराह रहे थे। पिछली लड़ाई में वे पूरी तरह से हार गए थे। अगर किनली नहीं होते तो वे अब तक टिके नहीं रह पाते। वे पूरी तरह से नष्ट हो गए होंगे। अति आत्मविश्वास, जून डिंटेन ने तिरस्कार पूर्वक उपहास किया। उसने इन मार्शल ग्रेड सेक्ट के लोगों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। आप मार्शल संगठन के लोगों के चेहरे गुस्से से लाल हो गए। वे जहां भी गए उन्हें स्वर्ग का गौरव माना गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार की शक्ति से थे, कोई भी उन्हें नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं करता था। उन्हें कचरा मानने की तो बात ही छोड़ दें। किसी की क्षमताओं को अधिक आंकना, वे अक्सर ये शब्द कहते थे, लेकिन इस समय यह इतना व्यंग्यात्मक और उदास लग रहा था। किनली ने विशेष रूप से अपनी मुट्ठी भींची। वह हार मानने को तैयार नहीं था। वे एक स्तर अलग थे, बस एक स्तर अलग थे, लेकिन यही एक स्तर था जिसने उसे जून डिंटेन से अलग कर दिया। वह कभी भी जून डिंटेन के साथ नहीं हो पाएगा। उसने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया था, लेकिन उसे केवल खुद को कम आंकने का मूल्यांकन मिला था। यह ऐसा था मानो वे दोनों एक ही स्तर पर नहीं थे। यहाँ तक उसके जैसा व्यक्ति भी जून डिंटेन की आंखों में अति आत्मविश्वासी हो जाएगा। यदि वह गहन जीवन अवस्था के शिखर पर कदम रखता तो सब कुछ पूरी तरह से अलग होता। जून डिंटेन ने उनकी ओर देखा तक नहीं, उसकी निगाहें शून्य में झंडे पर टिकी थीं। वह ध्वज लगातार एक आश्चर्यजनक आभा फैला रहा था जो सभी दिशाओं में फैल रहा था। जून डिंटेन थोड़ा भ्रमित था। खुश, उसने सीधे शून्य से एक विशाल हाथ पकड़ लिया। आकाश को ढांकते हुए और पृथ्वी को ढांकते हुए उसने ध्वज को पकड़ लिया। ध्वज को वश में करना चाहता था। हालांकि यह ध्वज तुरंत एक असीम आभा के साथ उछला। लगभग एक पल में यह स्वचालित रूप से ऊपर उड़ गया और विशाल हाथ की ओर फट गया।
बूम, जब जोड़ने वाला विशाल हाथ सीधे झंडे में घुस गया। दिलचस्प, जून डिंटियन ने उपहास किया। उसने सीधे झंडे को पकड़कर फिर से झंडे पर प्रहार किया। हालांकि इस समय एक विशाल सुनहरी तलवार पतली हवा से प्रकट हुई और विशाल हाथ की ओर फिसलते हुए नीचे गिर गई। टकराना, जोरदार टक्कर की आवाज हुई, मानो दो विशाल लोहे के ब्लॉक शून्य में टकरा गए हों। विशाल हाथ और तलवार टकरा गए। कौन है भाई? जून डिंटियन ने लगभग तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसकी आंखें तलवार की तरह तेज थी। वह सीधे बल गया और तुरंत एक शिवेन को पाया जो किनारे पर छिपा हुआ था, या बल्कि इस बिंदु पर एक शिवेन का छिपने का कोई इरादा नहीं था। ये जिवेन, इस समय किनली और मार्शल संप्रदाय के बाकी लोग ये जिवेन को देखकर हैरान और खुश थे। चाहे कुछ भी हो, ये जिवेन की उपस्थिति जून डिंटियन की मदद करने के लिए नहीं होगी। उनके लिए यह किसी बड़े आश्चर्य से अलग नहीं था। यह आप है, ये शिवेन को घूरते हुए जून डिंटियन की आंखें ठंडी थी। उसने देखा था कि कैसे ये जिवेन ने दिव्य संघ में सभी का वध कर दिया था, लेकिन उसने परवाह नहीं की। वह और ये जिवेन शुरू से ही अलग अलग चीजों की परवाह करते थे। अकारण ही ऐसा अत्याचारी शत्रु बनाने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि उसके चरित्र को देखते हुए वह स्वाभाविक रूप से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि वह पहले ही सामने के दरवाजे पर अपनी लड़ाई लड़ चुका था। ये सिवेन, मुझे मत बताओ कि तुम्हें लगता है कि तुम मेरे लिए एक मैच हो सिर्फ इसलिए कि तुमने कुछ डिवाइन यूनियन ट्रैश को मार दिया। जून डिंटियन के मुंह के कोने पर एक अकथनीय मुस्कान थी, जैसे कि वह खुद को ज्यादा आंकने के लिए ये सिवेन का मजाक उड़ा रहा हो। ये जिवेन हो या किनली, ये अद्वितीय प्रतिभाएं आम लोगों की नजरों में उनकी आंखों में बहुत हास्यास्पद और अपरिपक्व लगती थी। यह जीवन के स्तर पर आधारित एक तरह की अवमानना जिसका किसी की ताकत से कोई लेना देना नहीं था। यह एक अमीर परिवार के कुलीन बेटे की तरह था जो एक आम आदमी को हेय दृष्टि से देखता था। श्रेष्ठता की सहज भावना उसकी हड्डियों में घुस गई थी और वह हर किसी को हेय दृष्टि से देखता था। ये जिवेन को नहीं पता था कि जून डिंटियन का आत्मविश्वास कहां से आया। चाहे वह हो या किनलाई, इतनी कम उम्र में इस मुकाम तक पहुंचने के लिए किसी ने भी उन्हें नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं की। चाहे वे उन्हें प्यार करें या नफरत, कोई भी उन्हें नीचा नहीं देखेगा। हालांकि जून डिंटियन उन्हें हेय दृष्टि से देख रहा था। यह कोई कार्य नहीं था, नहीं यह किसी शक्तिशाली योद्धा द्वारा किसी कमजोर व्यक्ति को हेय दृष्टि से देखना था। यह जीवन के स्तर पर आधारित श्रेष्ठता की भावना थी। ऐसा लगता है कि तुम जीने से थक गए हो और मरने के लिए आए हो। उसकी आवाज वज्र की तरह गर्जना करती थी। पूरा शून्य उसकी आवाज के नीचे बहने के कगार पर लग रहा था, जिससे आसपास का माहौल कांपने लगा था। ये जिवेन की आंखें सिकुड़ गईं। यह एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी था, एक बहुत ही मजबूत प्रतिद्वंद्वी। जून डिंटियन अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके खड़ा था, एक पुनर्जन्म लेने वाले भगवान की तरह। यहाँ तक उनके शरीर में भी थोड़ी दिव्यता थी जो इतनी चमकदार थी कि लोग उन्हें सीधे नहीं देख सकते थे। वह ठंडा और भावहीन था, सब कुछ ठंडेपन से देख रहा था। उसकी आंखों में ये जिवेन मरा हुआ लग रहा था। इस समय किनली और अन्य जो जमीन पर पड़े थे और गंभीर रूप से घायल थे और भी ज्यादा हैरान थे। वे जून डिंटियन की आभा से इस हद तक दब गए थे कि वे सांस नहीं ले पा रहे थे। अगर वे अच्छी स्थिति में होते तो वे प्रतिरोध करने में सक्षम होते, लेकिन इस समय ऐसा लगता था कि उनके लिए सांस लेना भी बहुत मुश्किल था। खासकर किनली, वो और भी हैरान था। यह जून डिंटियन की वास्तविक चरम स्थिति थी। जून डिंटियन ने लड़ाई के अंत में ही अपनी असली ताकत दिखाई थी और अब जैसे ही उसने हमला किया वह ऐसी स्थिति में था। उसका इरादा ये जिवेन को एक ही बार में मारने का था। मार्शल आर्ट के बाकी ग्रैंड मास्टर्स और भी डरे हुए थे। यहाँ तक जब लड़ाई अपने चरम पर थी वे वास्तव में अनुमान नहीं लगा सकते थे कि जून डिंटियन कितना शक्तिशाली था। वह एक अजेय भगवान की तरह था। इतने सारे मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर्स और किनली के संयुक्त हमले का सामना करते हुए भी वे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। हालांकि ऐसा इसलिए था क्योंकि उनमें से कोई भी गहन जीवन क्षेत्र के चरम पर नहीं था। मार्शल ग्रैंड मास्टर्स अमर विरासत थे। कोई नहीं जानता था कि मार्शल ग्रैंड मास्टर्स में कितने अद्वितीय कौशल उनकी युद्ध शक्ति को बढ़ा सकते हैं। हालांकि यह स्वर्गीय सम्राट डिवाइन फिस्ट जितना उत्कृष्ट नहीं था, यह एक क्षेत्र में पागल हो जाने के लिए पर्याप्त था। फिर भी वे जून डिंटियन का कुछ नहीं बिगाड़ सके। उन्हें यह भी संदेह था कि यदि गहन जीवन क्षेत्र के शिखर पर विशेषज्ञ मौजूद होते तो भी वे उसके लिए एक मैच नहीं बन पाते। वह वहां अकेला खड़ा था, उसका पूरा शरीर चमक रहा था, पूरे हॉल को रोशन कर रहा था। इस समय ये जिवेन ने बस सूंघा और एक कदम आगे बढ़ाया, तुरंत जून डिंटियन की आभा को नष्ट कर दिया। उनकी आकृति प्रचंड तूफान और विशाल लहरों में एक छोटी नाव की तरह थी। उसके सामने प्रचंड लहरें थी, लेकिन जहां भी वह गुजरा वह शांत और शांत था। उसने जून डिंटियन की आभा को पूरी तरह से अपने आप दबा दिया था। दिलचस्प, जून डिंटियन के मुंह का कोना थोड़ा सा हिल गया। ऐसा लगता है कि तुमने मरने का मन बना लिया है। उसने आंखें मूंद ली। उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी थी। उसका खून उबल रहा था, शक्तिशाली और ठंडा।
मरो, सिर्फ तुम, मुझे डर है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। येजीवेन ऐसा लग रहा था जैसे जून दिन टीम की शक्तिशाली आभा को नजरअंदाज कर रही हो। उसे तनिक भी परवाह न थी, उसने सिर्फ उपहास किया। इस समय ये मार्शल ग्रैंड मास्टर्स येजीवेन के शब्दों से हैरान थे। सिर्फ तुम, मुझे डर है कि तुम यह नहीं कर सकते। जून डिंगटियन की अत्याचारी ताकत को देखने के बाद बहुत कम लोग ऐसे शब्द कह सकते थे। यहाँ तक किनली जैसे प्रतिभावान व्यक्ति को भी जून डिंगटियन के हाथों भारी नुकसान उठाना पड़ा था। उन्होंने यह भी कहने का साहस किया कि युवा पीढ़ी में ऐसे बहुत कम लोग थे जो जून डिंगटियन के साथ तुलना कर सकते थे। यहाँ तक अधिकांश पुरानी पीढ़ी के योद्धा जून डिंगटियन द्वारा बिना किसी रहस्य के मारे जाएंगे। क्या वह बहुत अहंकारी था या अति आत्मविश्वासी था? मैं यह कर सकता हूँ या नहीं, हमें एक बार कोशिश करने के बाद पता चल जाएगा। ऐसा लग रहा था कि जून डिंगटियन का समय बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं है। उसकी आंखें दो तेज तलवारों की तरह थीं जो लोगों की आत्माओं को भेदती हुई निकली। इस समय एक शक्तिशाली आभा एक तूफानी समुद्र की तरह बह गई। इस समय उसने आखिरकार अपनी चाल चल दी। खुश, एक चौंकाने वाली तलवार प्रकाश क्षैतिज रूप से गिरा, तुरंत विशाल आकाश को फाड़ दिया, जिससे शून्य में दरारें दिखाई दी। तलवार की रोशनी जगमगा उठी, तलवार की तरह लग रही थी जो दुनिया को नष्ट कर सकती थी। यह तलवार अत्यंत तेज थी, मानो प्रकाश की गति से भी तेज हो। एक पल में ये येजीवेन के सामने आ गया था, जैसे कि ये येजीवेन को पूरी तरह से छेदने वाला था। वे मार्शल ग्रैंड मास्टर्स अविश्वास में चिल्लाए बिना नहीं रह सके। क्या येजीवेन एक ही चाल में मारी जाने वाली थी? यह असंभव नहीं था। चोटी के विशेषज्ञों के बीच लड़ाई में तत्काल मार देखना असामान्य नहीं था। ताकत में अंतर को एक ही चाल से निर्धारित किया जा सकता है। इस समय येजीवेन पहले ही अपनी चाल चल चुका था। उसके हाथ ने एक आभासी छाया खींची, एक सुनहरी लंबी तलवार को पकड़ा और तलवार प्रकाश पर सीधे फिसल गया। डांग, गगनभेदी गर्जना के साथ दोनों पक्ष टकरा गए, जिससे स्वॉर्ड क्यूई सभी दिशाओं में बहने लगी। तलवार क्यूई ने पहाड़ों और नदियों को घेर लिया क्योंकि यह सभी दिशाओं में बह गई, आकाश को मिटा दिया और पृथ्वी को ढक लिया। येजीवेन की सुनहरी लंबी तलवार और जून डिंगटियन की तलवार की आभा में भयंकर टक्कर हुई। चिंगारी सभी दिशाओं में उड़ गई और एक भनभनाहट की आवाज सुनाई दी। आकाश सीधे ढह गया और अराजकता बिखर गई। मार्शल संप्रदाय के लोग हैरान रह गए। वे जून डिंगटियन की अत्याचारी ताकत से हैरान थे। वे भी येजीवेन की अत्याचारी ताकत से हैरान थे। वह बिना किसी नुकसान के हमले का सामना करने में सक्षम था। वह एक चट्टान की तरह था, अविनाशी और अडिग। उसी समय वे चौंक गए कि दोनों पक्षों के बीच युद्ध की पहली लहर पहले से ही इतनी हिंसक थी। यह अविश्वसनीय था। वर्तमान लड़ाई की तुलना में जब उन्होंने जून डिंगटियन को घेर लिया था, तब भी उन्होंने ऐसा भयानक दृश्य पैदा नहीं किया था। और इस समय मुख्य हॉल में पहले से ही बहुत से लोग थे। कई लोगों ने लड़ाई की आवाज सुनी और सीधे ऐसा हैरान कर देने वाला दृश्य देखने पहुंचे। यह चौंकाने वाला था। उन्होंने इस पर विश्वास करने का साहस नहीं किया। क्या वास्तव में यही वह युद्ध शक्ति थी जो आम लोगों में हो सकती है? गहन जीवन क्षेत्र का शिखर। वे पहले से ही गहन जीवन क्षेत्र के शिखर पर चढ़ चुके हैं और मुझे डर है कि वे गहन मृत्यु क्षेत्र को छूने वाले हैं, किसी ने डर के मारे कांपते हुए कहा। येजीवेन ने एक ही समय में दो विरोधियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और उन्होंने जानमिंग और चू यून की अद्वितीय क्रूरता को रोक दिया था। वे सभी उसे अजेय के रूप में देख चुके थे। वास्तव में उन्होंने पहले से ही उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सूचीबद्ध किया था जिसे उन्हें उत्तेजित नहीं करना चाहिए। अब उन्होंने जून डिंगटियन को येजीवेन से लड़ते हुए देखा। यह व्यक्ति एक राक्षस होना चाहिए। हालांकि वे सभी हैरान थे, उन्होंने पहले अलग अलग लड़ाई देखी थी, इसलिए उनके दिलों में भावनाएं मार्शल संप्रदाय के लोगों से बिल्कुल अलग थी। युवा पीढ़ी के बीच मुझे डर है कि ये दो लोग सबसे अच्छे हैं, कई लोगों ने भावुक होकर कहा, खासकर उनके जैसे पुराने राक्षस। उन्होंने कई वर्षों तक खेती की थी, लेकिन इस समय वे उन युवा पीढ़ी से आगे निकल गए जिन्होंने कई वर्षों से खेती नहीं की थी। इस समय उनकी भावनाएं असामान्य रूप से जटिल थी। तुम्हारे पास थोड़ी ताकत है, लेकिन यह बेकार है। अगर तुमने मुझे उकसाया नहीं तो तुम अच्छी तरह से जीने में सक्षम हो सकते हो। दुर्भाग्य से जब से तुमने मुझे उकसाया है तुम अब और नहीं रह सकते। जून डिंगटियन ने उपहास किया और एक अहंकारी और जंगली आभा बिखेरी। उसने अभी भी येजीवेन की आंखों में नहीं डाला। उन्होंने दुनिया के नायकों को भी गंभीरता से नहीं लिया। मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा, जून डिंगटियन ने फिर हमला किया। उसने येजीवेन पर अपनी तलवार तान दी और उस पर हमला कर दिया। येजीवेन को नहीं पता था कि उसे अपनी चपलता तकनीक के लिए किस तरह की विरासत मिली थी। उसकी गति भी अत्यंत तेज थी। एक पल में वो सीधे येजीवेन की तरफ दौड़ा। हर कदम के साथ उसने आकाश के एक हिस्से को कुचल दिया। हत्या के इरादे ने आकाश को ढंक दिया और पृथ्वी को ढंक दिया। बूम, गति माउंट ताई के पतन की तरह थी, सीधे कुचल कर और तुरंत काट कर।
तलवार की रोशनी पर तैरता हुआ तलवार का ताबीज सीधे तलवार की नदी का निर्माण करता है, मानो समय की नदी को पार करते हुए बहता हुआ। लड़ाई का इरादा पूरे आकाश में फैल गया, जिससे दूरी में हर कोई महसूस कर रहा था कि उनकी रीढ़ नीचे दौड़ रही है, जैसे कि ठंडे पानी की एक बाल्टी उन पर उड़ेल दी गई हो। इस प्रकार की युद्ध शक्ति कुछ ऐसी थी जिसे वे 1000 या 10000 वर्षों तक साधना करने पर भी प्राप्त नहीं कर सकते थे। ये दोनों मार्शल आर्टिस्ट बनने की राह पर सबसे मजबूत प्रतियोगी थे। येजीवेन ने भी हमला किया, सुनहरी तलवार ने बिल्कुल भी रास्ता नहीं दिया और तलवार की नोक सीधे चुभ गई। साधारण लोग, भले ही वे गहन जीवन क्षेत्र के विशेषज्ञ भी हो, उनके लिए आंखों की बराबरी करना अत्यंत कठिन होगा। यह ऐसा था मानो तलवार ने स्थान और समय को पार कर लिया हो, लेकिन ये क्षिवेन वास्तव में इतनी गति के साथ चल सकता था। बूम, दो लंबी तलवारें शून्य में टकराईं। येजीवेन ने तलवार को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया और जिस क्षण उसने तलवार को अवरुद्ध किया, उसके शरीर से एक राक्षसी तलवार का इरादा संघनित हो गया और फिर तुरंत आकाश के माध्यम से कट गया, जून डिंटियन की ओर फिसल गया। यह वह सीधे तौर पर तलवार के इरादे को मजबूर कर रहा था जो मूल रूप से उसके शरीर में विशेष स्थान द्वारा सिम्युलेटेड था, सीधे उसे जून डिंटियन की ओर काटने के लिए मजबूर कर रहा था। जून डिंटियन किसी भी तरह से नुकसानदेह स्थिति में नहीं आए। उसकी आंखों में एक अद्भुत तलवार का इरादा था जो सीधे येजीवेन की तलवार के इरादे से टकरा रहा था। हैरानी की बात है कि वह बिल्कुल भी नुकसानदेह स्थिति में नहीं आया। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसका सामना येजीवेन ने पहले कभी नहीं किया था। अतीत में भले ही विरोधी थे जो ताकत के मामले में उसे दबा सकते थे, लेकिन तलवार के इरादे से उसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि उसकी तलवार का इरादा वास्तव में अतीत में एक राजा द्वारा पीछे छोड़ दिया गया था। भले ही उसने इसके एक छोटे से हिस्से का ही अनुकरण किया हो, फिर भी यह लोगों को चौंका देने के लिए काफी था। आप इस तरह के तुच्छ कौशल के साथ मेरे खिलाफ लड़ना चाहते हैं? जून डिंटियन ने तिरस्कार पूर्वक उपहास किया। इस समय येजीवेन के साथ कई टक्करों के बाद उन्होंने पहले ही पता लगा लिया था कि येजीवेन की ताकत बेहद अत्याचारी थी, जो गहन जीवन क्षेत्र के शिखर पर सामान्य विशेषज्ञों से कहीं अधिक थी। हालांकि उसे अभी भी अपने आप पर बहुत भरोसा था, फिर भी वह पहले की तरह येजीवेन को पूरी तरह से नीचे नहीं देखेगा, क्योंकि इस समय अगर उसने फिर से येजीवेन को नीचे देखा तो वह खुद को नीचे देख रहा होगा। येजीवेन कुछ भी नहीं था और जो दो चालों में येजीवेन को नहीं हरा सकता था वह कुछ भी नहीं था। दोनों के बीच टक्कर के कारण तलवार का इरादा अतिप्रवाहित हो गया, सीधे तारों में गिर गया। इस उदास हॉल में मानो रात गिर गई हो, तारे टिमटिमा रहे हो और पूरा आकाश सीधे तलवार के इरादे से धंध गया हो। उन दोनों के पास सर्वोच्च तलवार सिद्धांत थे और वे अपने अपने क्षेत्र के शीर्ष विशेषज्ञ भी थे। डेंग डेंग डेंग, येजीवेन लगातार कुछ कदम पीछे हटे और उनके विपरीत जून डिंटियन भी सीधे कुछ कदम पीछे हट गए। इस टक्कर में दोनों पक्ष बराबरी के कहे जा सकते हैं। महत्वहीन कौशल, अगर आपको लगता है कि यह महत्वहीन है तो आप केवल खुद को और दूसरों को धोखा दे सकते हैं। येजीवेन इसे मजाकिया लगने के अलावा नहीं रोक सकी और ठंडेपन से कहा। उसके दिल में थोड़ी दहशत थी। हालांकि वह लंबे समय से जानता था कि जून डिंटियन की ताकत शायद बहुत मजबूत थी, उसने बिल्कुल भी इसकी इतनी हद तक उम्मीद नहीं की थी। उसने निश्चित रूप से गहन मृत्यु क्षेत्र की दहलीज को छू लिया था और उसकी शक्ति गहन जीवन क्षेत्र के शिखर पर सामान्य विशेषज्ञों से कहीं बेहतर थी। अगर यह घोस्ट और फायर फॉर्मेशन में उनकी निरंतर समझ के लिए नहीं था और मार्शल आर्ट की उनकी समझ में पहले की तुलना में छलांग और सीमा में सुधार हुआ था तो वह सीधे जून डिंटियन से हार गए होंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना अहंकारी था, क्योंकि उसके पास वास्तव में इतनी ताकत थी। भले ही किनली ने गहन जीवन क्षेत्र के शिखर पर कदम रखा हो, वह शायद उसके लिए एक मैच नहीं होगा। जान मिंग और चू यून शायद इस व्यक्ति से हार जाएंगे, भले ही वे सेना में शामिल हो गए हों। युवा पीढ़ी में उन्होंने ऐसा अत्याचारी विशेषज्ञ कभी नहीं देखा था। प्रसिद्ध जान मिंग, चू यू, किन लाई और अन्य लोग उसके सामने पर्याप्त नहीं थे। चिकनी बातें और कंजूस लग रहा है। जून डिंटियन अविचलित था और उसकी आंखें अतुलनीय रूप से ठंडी थीं। लगभग एक पल में उसने फिर से हमला करने की पहल की और यह एक और साधारण छुरा था। इस कदम का कोई निशान नहीं था। हालांकि यह एक साधारण छुरा लग रहा था, इसमें तलवार कला के अनगिनत सिद्धांत शामिल थे और यह एक पल में अपना प्रक्षेपवक्र भी बदल सकता था। इसलिए येजीवेन की नजर में इसमें अनगिनत परिवर्तन होने लगे और एक पल में उसका पूरा शरीर बंद हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कैसे बचने की कोशिश करता है, वह इस तलवार से घिरा होगा और चाहे वह कहीं भी भाग जाए उसे चाकू मारकर मार डाला जाएगा। उनकी तलवार कला वास्तव में इतने उच्च स्तर पर पहुंच गई है। किनली अवाक रह गया था और इस समय वह और भी अनिच्छुक था। उनका मानना कि युवा पीढ़ी में वह किसी से कम नहीं है। भले ही जान मिंग और चुयुन उनसे एक स्तर ऊपर थे, फिर भी उन्हें थोड़ी सी भी चिंता नहीं थी। वह मार्शल संप्रदाय में पैदा हुआ था, एक अमर विरासत जिसने कभी एक सम्राट पैदा किया था।
ऐसी पृष्ठभूमि उसे गौरवान्वित करने के लिए पर्याप्त थी और यह उसके लिए सभी नायकों को हेय दृष्टि से देखने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि उन्हें जून डिंगटियन के हाथों इतना बड़ा नुकसान होने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए जब भी उसका सामना जून डिंगटियन से होता था तो वह हमेशा विशेष ध्यान देता था। इस समय उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि जून डिंगटियन वास्तव में उससे अधिक शक्तिशाली था, चाहे वह इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो या नहीं। येजीवेन का चेहरा पानी की तरह शांत था। उसकी आंखें एक मशाल की तरह थीं जो हजारों मील को रोशन करती थी, जैसे कि वह जून डिंगटियन की तलवार कला के सभी परिवर्तनों को देख सकता था और उसने अपनी तलवार से वार किया। जून डिंगटियन की तुलना में, जिसने केवल अपनी तलवार से वार किया था, येजीवेन की तलवार की रोशनी ने लगभग पूरे आकाश को एक तेज लहर की तरह एक पल में डुबो दिया। जून डिंगटियन की तलवार सहित सब कुछ डूब गया। बूम, एक और जोर की दहाड़ सुनाई दी और एक पल में दोनों पक्ष शून्य में 1000 बार फिर 10000 बार टकराए। जून डिंगटियन की तलवार की रोशनी बहुत भयानक थी और यह सब कुछ तहस नहस कर सकती थी। हालांकि वो येजीवेन के खिलाफ कुछ नहीं कर सका। तुजीवेन की तलवार की रोशनी साधारण नहीं थी, यह अतुलनीय रूप से चमकदार लग रहा था, लेकिन यह हर बार जून डिंगटियन की घातक तलवार को रोकने में सक्षम था। उनकी तलवार कला एक प्रचंड लहर की तरह थी जो सब कुछ डुबा रही थी। तलवार की गति कितनी भी चौंकाने वाली क्यों न हो, उसकी तलवार की रोशनी के सामने वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। कोई और नतीजा नहीं निकला। हर कोई देख सकता था कि दोनों पक्ष समान रूप से मेल खाते थे। जून डिंगटियन बहुत मजबूत था और येजीवेन जरा सा भी कमतर नहीं था। वे जैसे को तैसा जा रहे थे। बहुत से लोगों के मन में शंका थी, वास्तव में ये दो लोग कौन थे। उनके लिए इन दो लोगों की अचानक उपस्थिति बहुत अचानक थी। हालांकि ये जीवन की ईश्वरीय संघ के साथ पिछले संघर्ष के कारण थोड़ी प्रतिष्ठा थी, लेकिन यह उसकी ताकत से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था। जून डिंगटियन के लिए भी यही सच था। उनकी कुछ प्रसिद्धि थी, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि उस थोड़ी सी प्रसिद्धि के नीचे इतनी भयानक ताकत छिपी हुई है। वह एक भयानक अस्तित्व था जो सभी युवा पीढ़ी को जमीन पर गिरा सकता था। समय के साथ ये दो लोग खुद को साबित करने के रास्ते पर सबसे मजबूत होंगे। यह सही है, दोनों ही ऐसे जीनियस हों जो भविष्य में अपना दाव सिद्ध कर सकें। हमें दाव विशेषज्ञ को देखे काफी समय हो गया है। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। इन दो लोगों के कौशल ने कई पुरानी पीढ़ी के योद्धाओं को पार कर लिया है। कई लोगों ने भावना से आह भरी। उनकी ताकत अच्छी नहीं थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उनकी अंतर्दृष्टि कमजोर थी। उनमें से कई हजारों वर्षों या यहाँ तक कि दसियों हजार वर्षों तक जीवित रहे थे। उनकी अंतर्दृष्टि अत्यंत तीक्ष्ण कही जा सकती है और वे इसे एक नजर में देख सकते थे। नहीं, देखो, जून डिंगटियन वास्तव में रुक गया। इस समय सभी ने देखा कि जून डिंगटियन, जो मूल रूप से जमकर हमला कर रहा था, अचानक रुक गया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे एहसास हुआ कि उसका भयंकर हमला बेकार था, इसलिए उसने हार मानने का फैसला किया। जून डिंगटियन ने धीरे से अपने हाथ में लंबी तलवार हटा ली और एक लंबे भाले की तरह गर्व से खड़ा हो गया। उसने येजीवेन से ठंडेपन से कहा, तुम्हें बस तोड़ देना चाहिए था। इस समय तुम वास्तव में मुझे अपने कदम के पत्थर के रूप में इस्तेमाल करने की हिम्मत करते हो और मेरी तलवार की ऊर्जा का उपयोग अपने दायरे को बढ़ाने के लिए करते हो। तुम काफी बोल्ड हो। अंत में तुमने मेरे माध्यम से देखा, येजीवेन ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन यह बेकार है, मैंने पहले ही सम्मान पूरा कर लिया है। हाँ, ये जीवन सिर्फ जून डिंगटियन के दबाव का इस्तेमाल कर रही थी ताकि जल्दी सफलता हासिल कर सके। पिछली बार जब उसने जून डिंगटियन को देखा था तो उसमें इतनी ताकत नहीं थी। अब वह पहले ही गहन जीवन क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुका था और गहन मृत्यु क्षेत्र की बाधा को छू चुका था। ये जीवन के विपरीत, जिसने अभी अभी इस क्षेत्र को छुआ था, वह एक अनुभवी व्यक्ति की तरह था जो अनगिनत वर्षों से इस क्षेत्र में डूबा हुआ था। हालांकि वो ये जीवन जितना तेज नहीं था, लेकिन वो अधिक अनुभवी और मधुर था। ये जीवन भविष्य में इसी दिशा में काम करेगी। वह नहीं जानता था कि जून डिंगटियन ने यह कैसे किया, लेकिन यह बहुत स्पष्ट था कि यदि वह इसे हासिल नहीं कर सका तो उसके जून डिंगटियन द्वारा पराजित होने की बहुत संभावना थी। इसलिए उसे एक सीमित समय के भीतर जून डिंगटियन को हराना था और अपनी ताकत को उसके समान स्तर तक सुधारना था। अब जब वह दायरे में पहुंच गया था, उसे केवल संचय की आवश्यकता थी और उसके लिए ऐसा करने का कोई समय नहीं था। मौजूद हर कोई पूरी तरह सुन्न था। वे लगभग मौत से डर गए थे। यदि वे जून डिंगटियन की जगह होते तो वे दोनों में से किसी के द्वारा मारे जाते। लेकिन ये जीवन अपनी खेती को बेहतर बनाने के लिए जून डिंगटियन की तलवार की रोशनी का इस्तेमाल कर सकती थी। वो इंसान नहीं, राक्षस था। हालांकि ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उनके दायरे में अंतर समान था, फिर भी यह बहुत चौंकाने वाला था। क्या मजाक है, क्या आपको लगता है कि आप मेरे प्रतिद्वंदी हैं क्योंकि आप ऐसे दिखते हैं? मैंने अभी तक अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया है। जून डिंगटियन के शब्दों ने सभी को चौंका दिया। उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया था।
जबकि हर कोई अभी भी सदमे में था, जून डिंटियन अचानक हिल गया। उसकी तलवार की रोशनी तुरंत हवा में फैल गई। स्विश, लहर दर लहर तलवार की रोशनी उसके शरीर से फूट पड़ी। अचानक उनके शरीर में अंगिनत तलवार सिद्धांत प्रकट हुए। तेज धार के बिना एक भारी तलवार, तलवार का एक कुशल तरीका, एक अतुलनीय तेज तलवार दाव जो सब कुछ भेद सकती है। यह एक तलवार दाव थी जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी। अल्पविराम, इनमें से कोई भी तलवार दाव जिसे दाव के शिखर तक पहुंचने के लिए चुना जा सकता है, वास्तव में उसके शरीर में दिखाई दिया। यह सामान्य ज्ञान था कि एक युद्ध कला जितनी जटिल होती है उतनी ही चरम तक साधना करना कठिन होता है। ये जीवन शुद्धसन की थी। वह एक अजीब था, उसके पास वह रहस्यमय स्थान था, इसलिए वह जल्दी से किसी भी तरह की मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर सकता था। इसके अलावा वह इसका सार समझ सकता था, अन्यथा वह इतनी लापरवाही से अभ्यास करने की हिम्मत नहीं करता। शायद उसने तलवारबाजी या ब्लेडमैनशिप की दिशा में अभ्यास करना चुना होगा। वह बहुत स्पष्ट थे कि सभी की ऊर्जा सीमित थी, सभी मार्शल आर्ट को अकेले सीखना असंभव था। उसके पास ऐसा करने का समय नहीं था, जब तक कि दाव को साबित करने के बाद एक एक करके उन्हें सत्यापित करने के लिए उसके पास लंबा समय न हो। ये जीवन ने सभी प्रकार के तलवार सिद्धांतों को एक साथ उभरते हुए देखा। 3000 से अधिक तलवार सिद्धांत थे। यह बस सनसनीखेज था। तलवार के सभी सिद्धांत जो येजीवेन ने पहले देखे थे वे सब यहाँ पाए जा सकते हैं। यहाँ तक तलवार के सिद्धांत भी जो येजीवेन ने पहले कभी नहीं देखे या सुने थे उसके शरीर से निकल सकते थे। यह कैसे संभव है? इस समय येजीवेन भी इस पर विश्वास नहीं कर सकती थी। यहाँ के तलवार सिद्धांतों में से किसी एक में बड़ी क्षमता थी। चोटी तक साधना की जाए तो दाव सिद्ध होने की संभावना रहती थी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह देख सकता था कि जून डिंटियन ने यूं ही खेती नहीं की। उन्होंने स्पष्ट रूप से इन तलवार सिद्धांतों को आश्चर्यजनक स्तर तक विकसित किया था। वह किसी भी तलवार दाव प्रतिभा से अधिक भयानक था जिसे येजीवेन ने पहले देखा था। कोई भी सामान्य व्यक्ति जो इस स्तर तक साधना करता है उसे एक प्रतिभावान माना जाएगा। उनमें से इतने लोगों को एक साथ इकट्ठा करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसका मतलब यह था कि वह अकेला ही 3000 तलवार दाव प्रतिभाओं के बराबर था। यह पूरी तरह से येजीवेन की कल्पना से परे था। अगर उसके पास रहस्यमय जगह होती तो भी वह ऐसा नहीं कर सकता था। हालांकि यह केवल तलवार सिद्धांतों की एक श्रेणी थी, वह जानता था कि वह ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा नहीं था कि रहस्यमय स्थान ऐसा नहीं कर सकता था, लेकिन उसके पास खेती करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे। रहस्यमय अंतरिक्ष बहुत शक्तिशाली था, लेकिन इसमें घातक दोष भी था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किस मार्शल आर्ट से निकला है, यह बहुत सारे संसाधनों का उपभोग करेगा। मार्शल आर्ट जितना अधिक शक्तिशाली होगा उतने ही अधिक संसाधनों का उपभोग करेगा। यदि 3000 तलवार दावों में से किसी को भी इस स्तर तक बढ़ाया जाए तो वह भी पूरी तरह से दरिद्र हो जाएगा। इसके अलावा उनके लिए 3000 तलवार सिद्धांतों की खेती करना असंभव था। कोई कितना भी अद्वितीय प्रतिभावान क्यों न हो, उसके लिए अपनी उम्र में इस स्तर तक पहुंचना असंभव था, भले ही वह दिन रात खेती और समझ रखता हो। उसका चेहरा आखिरकार बदसूरत हो गया। जून डिंटियन का स्तर पूरी तरह से उनकी कल्पना से परे था। वास्तव में इससे पहले वह जिन विरोधियों से मिला था उनमें से किसी की भी जून डिंटियन से तुलना नहीं की जा सकती थी। यह स्ट्रेंथ में गैप नहीं था, बल्कि मार्शल आर्ट की समझ में गैप था। जान मिंग और चू यून की तुलना उनसे बिल्कुल भी नहीं की जा सकती थी। किनली का चेहरा अचानक पीला पड़ गया, मानो उनके दिल में विश्वास टूट गया हो। वह एक स्वाभिमानी व्यक्ति था और उसे हमेशा लगता था कि वह अपने साथियों में सबसे अच्छा है। यहाँ तक जब वह जून डिंटियन से हार गया था उसने केवल यही महसूस किया था कि उसका क्षेत्र जून डिंटियन के दायरे जितना अच्छा नहीं था। उसने यह नहीं सोचा था कि वह जून डिंटियन से कमतर था। हालांकि जून डिंटियन के 3000 तलवार सिद्धांतों के साथ वह अचानक अपने और जून डिंटियन के बीच के अंतर को समझ गया। यह दायरे में एक अंतर नहीं था, लेकिन सार में एक अंतर था। भले ही वह गहन जीवन क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया हो और गहन मृत्यु क्षेत्र के शिखर को छू लिया हो, फिर भी उसकी तुलना जून डिंटियन से नहीं की जा सकती थी जिसने 3000 तलवार सिद्धांतों को समझा था। यह कैसे हो सकता है? क्या मैंने जो कुछ भी पहले जोड़ दिया था वह गलत था? किनली ने अविश्वास में खुद से बड़बड़ाया। उसके दिल पर इसके प्रभाव की कल्पना की जा सकती है। उसने मूल रूप से सोचा था कि वह उसी दायरे में था, लेकिन वास्तव में वह उससे बहुत आगे था। यह चार पहियों वाली कार और बेंटले या रोल्स रॉयस जैसे शीर्ष ब्रांड के बीच अंतर जैसा था। किनली को बहुत धक्का लगा और बाकी लोगों को भी विश्वास नहीं हुआ। यदि एक वृद्ध राक्षस जिसने दसियों हजार वर्षों तक खेती की थी उसके पास ऐसी साधना और समझ थी तो वे इसे स्वीकार करने में सक्षम हो सकते थे। आखिरकार समय के साथ इसमें सुधार किया जा सकता था। हालांकि वे जून डिंटियन की उम्र का सही सही अंदाजा नहीं लगा सकते थे, लेकिन वे जानते थे कि वह निश्चित रूप से 1000 साल से अधिक का नहीं था।
यदि हाँ तो उनकी प्रतिभा कितनी प्रबल थी। यह बस अविश्वसनीय था। क्या सच में इस दुनिया में ऐसा कोई राक्षस हो सकता है? यदि किनली, येजीवेन और अन्य प्रतिभाशाली थे तो जून डिंटियन एक राक्षस था जो सैकड़ों हजारों वर्षों में केवल एक बार प्रकट होता था। यह भयानक था और इसने लोगों का सारा विश्वास खो दिया। येजीवेन की आंखें लगातार टिमटिमा रही थी और उसका शरीर भी कांप रहा था। वह हमेशा दूसरों को इस तरह चौंकाता था। उसके पास रहस्यमय स्थान था और साधारण प्रतिभाएं उसके सामने कुछ भी नहीं थी। जान मिंग और चूयू की तरह वह एक ही दायरे में किसी से नहीं डरता था। आज उसने वास्तव में देखा कि राक्षस क्या था। जून डिंटियन इतना भयानक हो सकता था कि यह लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए काफी था। 3000 तलवार सिद्धांतों के साथ यहाँ तक गहन मृत्यु क्षेत्र के विशेषज्ञ भी उसके लिए एक मैच नहीं होंगे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे येजीवेन देख सकता था कि जून डिंटियन की महत्वाकांक्षा उससे कहीं अधिक थी जिससे वह पहले मिला था। यह कहा गया था कि 3000 महान तरीके थे और उनमें से एक को प्राप्त करने वाले अनंत जीवन प्राप्त कर सकते थे। तलवार सिद्धांत भी 3000 महान तरीकों में से एक था और जून डिंटियन ने तलवार सिद्धांत के 3000 महान तरीके विकसित किए थे। क्या वह तलवार सिद्धांत के 3000 महान तरीकों को संघनित करने जा रहा था? यदि यह जारी रहा और वह वास्तव में सफल हो गया तो वह शायद एक विश्व चौंकाने वाला विशेषज्ञ बन जाएगा। उसके दिल में एक आवाज भी थी जिसने उसे बताया कि जून डिंटियन रसातल के शैतान भगवान से भी ज्यादा भयानक था। फर्क सिर्फ इतना था कि जून डिंटियन अभी बड़े नहीं हुए थे। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने येजीवेन, किनली और अन्य लोगों की ओर देखा तक नहीं। यह पता चला कि वे समान स्तर पर नहीं थे। क्या कोई इंसान चींटी को देखेगा? हालांकि वह इस निष्कर्ष पर आने के लिए बहुत अनिच्छुक था, लेकिन वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि जून डिंटियन, जिसने तलवार सिद्धांतों के 3000 महान तरीकों की निंदा की थी, वास्तव में एक राक्षस था। हालांकि उनके दिमाग में अचानक एक विचार आया। इस तरह के एक अत्याचारी जून डिंटियन की वास्तव में एक दुश्मन, एक महिला दुश्मन थी। यह महिला शत्रु कितनी अत्याचारी थी जिससे जून डिंटियन इतना डरता था। इसीलिए जून डिंटियन ने पहले कहा था कि हेवन वेस्टलैंड पैलेस के लोग इस महिला दुश्मन से लड़ने के योग्य नहीं है और वह उन्हें एक पल में मार डालेगी। अब जब उन्होंने इसके बारे में सोचा, कोंग नपिंग ने महसूस किया कि जून डिंटियन अतिशयोक्ति नहीं कर रहे थे, लेकिन यह केवल सच था। यह सोचकर वह अपने शरीर में खौलते खून को महसूस किए बिना नहीं रह सका। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके साथियों में इतने विशेषज्ञ होंगे, विशेषज्ञ जो उनकी कल्पना से भी परे थे। यह अधिक से अधिक दिलचस्प होता जा रहा था और वह अब इतना अकेला नहीं होगा। मेरे साथियों में आप उसके अलावा पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे 3000 तलवार सिद्धांतों का उपयोग करने के लिए मजबूर किया, लेकिन 3000 तलवार सिद्धांतों के तहत मरने के लिए आपको अंडरवर्ल्ड में मुस्कुराने में सक्षम होना चाहिए। जून डिंटियन को 3000 ग्रेट वेज का उपयोग करते हुए देखकर सभी के चेहरे अचानक से पीले पड़ गए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस शिविर से हैं, जब उन्होंने ऐसे राक्षस को देखा तो वे डरे बिना नहीं रह सके। येजीवेन और किनली की ताकत अभी भी उनकी समझ के दायरे में थी, लेकिन जून डिंटियन की ताकत उनकी कल्पना से बहुत परे थी। यह भी कहा जा सकता है कि वह उस सबसे भयानक प्रतिभा से 100 गुना अधिक भयानक था जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। हुश, 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 एक के बाद एक कानून संघनित होते गए और उड़ गए। 3000 तलवार सिद्धांत सभी उसके पीछे प्रकट हुए, सघन रूप से भरे हुए, पूरे आकाश को ढांकते हुए, सभी दिशाओं को हिलाते हुए। वह शून्य में खड़ा था और सभी 3000 तलवार सिद्धांत उसके पीछे संघनित हो गए, एक अतुलनीय शक्तिशाली बड़ी तलवार में संघनित हो गए। एक पल के लिए पूरी दुनिया में अतुलनीय रूप से अंधेरा छा गया और सूर्य और चंद्रमा ने अपना प्रकाश खो दिया। सभी दाव को दबा दिया गया था और कुछ को सीधे कुचल भी दिया गया था। एक भयानक गति थी, मानो फूल के खिलने पर सारे फूल मारे गए हों। येजीवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वह महसूस कर सकता था कि तेजी से भयानक आभा उसे लगातार कुचल रही थी। यहाँ तक उसकी क्यूई भी वासना के जाल द्वारा दबाई और संयमित की जा रही थी। इस तरह के भयानक दबाव ने लगभग तुरंत ही येजीवेन के निरंतर प्रतिरोध को जगा दिया। उनके शरीर की स्वर्णिम दिव्यता इस तरह के दबाव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। यह तुरंत उबल गया, बेतहाशा जल गया और एक चौंकाने वाली गति के साथ बढ़ गया। इसने वास्तव में जून डिंटियन के 3000 स्वॉर्ड सिद्धांतों का थोड़ा सा विरोध किया। येजीवेन भी बहुत मजबूत है, देखो वह वास्तव में 3000 तलवार सिद्धांतों के दबाव का सामना कर सकता है। ऐसा करने में सक्षम होना पहले से ही चौंकाने वाला है। अगर यह जून डिंटियन के लिए नहीं होता तो येजीवेन के पास अपने दाव को साबित करने का एक मौका भी हो सकता था। भविष्य में वह अपने दाव को साबित करने के रास्ते पर बहुत अच्छी तरह से एक लाश बन सकता है। हाँ, यह सही है, वह अब इसका सामना कर सकता है, लेकिन वह पहले से ही अपनी सीमा पर है। जब जून डिंटियन अपनी चाल चलता है तो मुझे डर है कि येजीवेन मौके पर ही पूरी तरह से गिर जाएगी। यहाँ तक मुझे भी इसे दूर से देखकर ही डर का एहसास होता है।
आप कल्पना कर सकते हैं कि 3000 स्वॉर्ड प्रिंसिपल्स कितने भयानक हैं और येजीवेन अब किस तरह के दबाव का सामना कर रही है। अगर यह गठन और बाधा के लिए नहीं था जिसे अंधेरे के भगवान ने स्थापित किया था, तो मुझे डर है कि यह लड़ाई पूरी तरह से समाप्त हो गई होगी। लेकिन इस जून डिंटियन की उत्पत्ति क्या है? येजीवेन कुछ हद तक प्रसिद्ध है, लेकिन मैंने इस जून डिंटियन के बारे में कभी नहीं सुना। वह एक राक्षस है। आप मेरे 3000 तलवार सिद्धांतों के दबाव का सामना करने में सक्षम हैं। केवल यही आपको अपनी पीढ़ी के शीर्ष पर रखने के लिए पर्याप्त है। दुर्भाग्य से आप मुझसे मिल चुके हैं। मैं आप लोगों से मौलिक रूप से अलग हूँ। क्या आप समझते हैं? ऐसा लग रहा था कि जून डिंटियन को येजीवेन से बात करने में दिलचस्पी थी। उसके लिए येजीवेन से बात करना दुर्लभ था। अलग क्या अंतर है? हालांकि मुझे नहीं पता कि आप किस जाति से संबंधित हैं, फिर भी आप इससे बहुत दूर हैं। आप अपनी कब्र खोद रहे हैं। मुझे आपको यह बताने में कोई आपत्ति नहीं है कि आप कैसे सोचते हैं कि अंधेरे का भगवान मर गया। वह मेरे हाथों मर गया, जून डिंटियन ने ठंडेपन से कहा। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मुझे डर है कि अंधेरे का भगवान तुम्हें सिर्फ एक नजर से मार सकता है। येजीवेन के दिल में कुछ संदेह था, लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। उसने उपहास किया। हम तुम मूर्ख मनुष्यों को कैसे पता चलेगा कि मैं एक देवता का पुनर्जन्म हूँ? मेरे 3000 तलवार सिद्धांतों के कानून को तोड़ने और उसके दिव्य साम्राज्य को चकनाचूर करने के बाद अंधेरे के भगवान की मृत्यु हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे अपनी तुलना करने की? जैसे जैसे मेरी याददाश्त धीरे धीरे ठीक होती जाएगी, मैं जल्द ही अपनी पिछली ताकत हासिल कर लूंगा। तुम्हारे और मेरे बीच की खाई और भी बड़ी होती जाएगी। जून डिंटियन ने आखिरकार एक चौंकाने वाला रहस्य उजागर किया। सब दंग रह गए। वे अपनी बुद्धि से थोड़े डरे हुए थे। उनके कानों ने अभी अभी जो सुना था उस पर विश्वास करने का साहस नहीं कर रहे थे। एक देवता का पुनर्जन्म? क्या वास्तव में इस दुनिया में किसी देवता का पुनर्जन्म हुआ था? सभी को विश्वास नहीं हो रहा था। वे जानते थे कि देवताओं का अस्तित्व है, लेकिन वे केवल विशेषज्ञ थे जिन्होंने अपने ताव को सिद्ध किया था। हालांकि यह बहुत पहले की बात है। यहाँ तक कि जुबान की दुनिया में भी कितने लोगों ने वास्तव में एक देवता को देखा था। यहाँ तक देवताओं के बारे में किंवदंतियां भी बहुत कम और बीच की थी। भले ही वे दिव्य पुत्र हो या जिन्होंने देवताओं की रक्त रेखा को जगाया हो, वे पहले से ही बहुत दुर्लभ थे और ये लोग विशेषज्ञ थे जिन्होंने संपूर्ण गहन दुनिया का समर्थन किया। ये लोग कमोबेश देवताओं से संबंधित थे। वे कुछ मार्शल आर्ट, जादू के खजाने या देवताओं द्वारा छोड़े गए अन्य धन पर भरोसा करके दुनिया के शीर्ष विशेषज्ञ बन सकते थे। ये लोग केवल देवताओं से संबंधित थे। कोई नहीं जानता था कि एक देवता का वास्तविक पुनर्जन्म कैसा होता है। वर्षों से देवी देवताओं के पुनर्जन्म के बारे में सभी प्रकार की किंवदंतियां रही हैं। कई शीर्ष प्रतिभाओं को एक देवता के पुनर्जन्म की उपाधि से भी नवाजा गया। हालांकि यह अक्सर साबित होता था कि ये नौटंकी सिर्फ नौटंकी थी। वे बिल्कुल सच नहीं थे। किसी ने वास्तव में कभी यह स्वीकार नहीं किया था कि वे एक देवता के अवतार थे। अधिक से अधिक उन्होंने संयोग से एक देवता की विरासत प्राप्त की थी। यह पहली बार था जब उन्होंने इस तरह की बात सुनी। खबर फैलते ही पूरी दुनिया पागल हो जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हुआन दुनिया के विशेषज्ञ कितने आरक्षित थे, जब वे दाव मान्यता या देवताओं से संबंधित थे तो वे पागल हो जाएंगे। गहन संसार में जब तक यह ताव सिद्ध करने या अनंत जीवन से संबंधित था, हर कोई पागल हो जाएगा। मृत आत्माओं के प्रभु की विरासत की तरह, भले ही हर कोई जानता था कि उनमें से अधिकांश के पास कोई मौका नहीं था और यहाँ मौत क्यूई के क्षरण के कारण समय से पहले मर भी सकते थे, फिर भी वे बिना किसी हिचकिचाहट के यहाँ आ गए क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। उनके पास अपना सब कुछ देने के अलावा और कोई चारा नहीं था। यह कल्पना की जा सकती थी कि एक बार खबर फैल जाने के बाद जून डिंटियन को भी अंतहीन रूप से शिकार बनाया जाएगा, जब तक कि उसके पास हेवन वेस्टलैंड पैलेस जैसे विशाल का संरक्षण न हो। लेकिन अभी के लिए वह एक मजबूत पृष्ठभूमि नहीं लग रहा था। वह इसे पहले नहीं समझता था, लेकिन अब वह इसे समझने में सक्षम लग रहा था। यदि वह वास्तव में किसी ईश्वर का अवतार होता तो उसे न तो दूसरों के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती, न ही उसे अन्य शक्तियों के संरक्षण की आवश्यकता होती। वह अपने दम पर खड़ा हो सकता था। हालांकि वह अभी बड़ा नहीं हुआ था, तो उनका आत्मविश्वास कहां से आया? इस प्रश्न पर सभी विचार कर रहे थे। लगभग इसी समय ऐसा लग रहा था कि सभी ने कुछ सोचा है। अचानक वे चौंक गए। क्या ऐसा हो सकता है कि वह हम सभी का वध करना चाहता है? वास्तव में अगर यहाँ सभी को मरना होता तो स्वाभाविक रूप से यह खबर लीक नहीं होती। अगर उन्होंने इस संभावना के बारे में पहले नहीं सोचा था तो अचानक उन्हें अब इसके बारे में ख्याल आया। जून डिंटियन ने जो ताकत दिखाई थी उसके आधार पर यह संभव नहीं था। इसके विपरीत यह काफी संभव था। यह सोचकर सबका चेहरा एकाएक पीला पड़ गया। अगर जून डिंटियन के पास वास्तव में ऐसा विचार होता तो वे आज बच नहीं पाते, चाहे कुछ भी हो जाए।
3000 तलवार सिद्धांतों की साधना के साथ गहन मृत्यु क्षेत्र का एक विशेषज्ञ भी इसका सामना करने में सक्षम नहीं होगा। मैंने अपने पिछले और वर्तमान जीवन में आप में से बहुत से तथाकथित प्रतिभाओं को देखा है जो वास्तव में डीओ प्रमाणीकरण की दहलीज को पार कर सकते हैं, वे बहुत कम और बहुत दूर हैं। जो नहीं कर सकते वे सभी कचरा है, जून डिंटियन ने स्पष्ट रूप से कहा। यह सही है, उनके लिए जीनियस जैसी कोई चीज नहीं थी। फर्क सिर्फ इतना था कि कोई डीओ सत्यापन प्राप्त कर सकता था या नहीं, बाकी सब कुछ वैसा ही था। वे सब चींटियां थी, कोई फर्क नहीं था। इस समय येजीवेन के दिमाग में हजारों विचार कौंधने लगे जो लगातार उपयोगी जानकारी में जुड़ते जा रहे थे। जून डिंटियन के शब्दों से यह निर्धारित करना मुश्किल नहीं था कि अंधेरे के भगवान की मृत्यु का उसे बहुत कुछ लेना देना था। हालांकि उसने अंधेरे के भगवान को मारने के बाद उसका खजाना क्यों नहीं छीन लिया। यदि वह वास्तव में देवता होता तो यह मुश्किल नहीं होना चाहिए। तब केवल एक ही संभावना बची थी, वह नहीं कर सका। एक देवता ऐसा क्या कर सकता है जो अनगिनत वर्षों तक ऐसा करने में असमर्थ हो। परिणाम स्पष्ट था, केवल एक परिणाम था जो उनके पुनर्जन्म के अनुरूप था, और वह यह था कि उनका भी निधन हो गया। उस लड़ाई में दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना चाहिए था। अंधेरे के भगवान का निधन हो गया जबकि जून डिंटियन थोड़ा बेहतर थे। वह पूरी तरह से नहीं मरे, उसकी मूल आत्मा को पुनर्जन्म लेना चाहिए था। यही एकमात्र संभावना थी जो वर्तमान स्थिति की व्याख्या कर सकती थी। जून डिंटियन के आक्रामक रवैये के सामने वह बहुत स्पष्ट था कि जून डिंटियन बिना किसी लड़ाई के उसे वश में करने के प्रभाव को प्राप्त करने के लिए उसकी मानसिक रक्षा को पूरी तरह से नष्ट करना चाहता था। हम डीओ प्रमाणीकरण प्राप्त कर सकते हैं या नहीं, यह केवल समय द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। हालांकि भले ही आपने किया हो तो क्या तुम अब भी नहीं मरे? क्या फर्क है तुम में और हम चींटियों में तुम्हारी नजर में? येजीवेन ने उपहास के साथ कहा। तुम बस एक हारे हुए व्यक्ति हो, इतना शोर करने के लिए आपके पास क्या योग्यता है? जून डिंटियन के हाव भाव अचानक बदल गए। अभी से अब तक वह नीचे चींटियों को देख रहा था। उन्होंने इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं की कि दूसरे क्या कहते हैं। हालांकि येजीवेन के शब्दों ने उसके कोमल स्थान को मजबूती से पकड़ लिया था। वास्तव में वह अतुलनीय रूप से प्रतापी हुआ करता था। हालांकि इसका क्या फायदा था, वह कई साल पहले था, यह अब और नहीं था। तो क्या हुआ अगर उसने दाओ सत्यापन हासिल कर लिया, अनगिनत वर्षों के बाद भी उनकी मृत्यु हो गई? उनमें और उन नश्वरों में क्या अंतर था जो मिट्टी के प्याले में बदल गए थे? मुझे लगता है कि आप वास्तव में जीने से थक गए हैं। जून डिंटियन ने तुरंत येजीवेन से बात करना बंद कर दिया। उसके हाथ में लगी लंबी तलवार तुरंत चुप गई। शून्य में अनंत शक्ति सभी दिशाओं में बह गई। तलवार की आभा ने आसमान को फाड़ दिया और सीधे येजीवेन के सिर पर जा लगी। जून डिंटियन येजीवेन से पूरी तरह से नाराज हो गए थे। वह जरा भी पीछे नहीं हटे, वो येजीवेन को एक पल में खत्म करना चाहता था। तलवार का सार उछला और एक जबरदस्त गति बनाई, येजीवेन को पूरी तरह से ढक लिया, उसे सांस लेने का कोई मौका नहीं दिया। बूम, तो येजीवेन ने अपना हाथ उठाया और अपनी तलवार से वार किया। बूम, जोरदार दहार पूरे इलाके में फैल गई। तलवार की हुई और सुनहरी तलवार शून्य में बह जाएगी। यह एक भयानक शक्ति थी जो उबल रही थी। येजीवेन की लंबी तलवार जो उसके हाथ में स्वर्ण देवत्व से संघनित थी, एक पल में नष्ट हो गई। जून डिंटियन के 3000 तलवार सिद्धांत बहुत ही दबंग थे। उनमें लगभग सभी तलवार सिद्धांत शामिल थे। उनके 3000 तलवार सिद्धांतों में किसी भी प्रकार की तलवार का सार पाया जा सकता है। जैसे ही उसने हमला किया, वह भारी पड़ गया। अपनी पूरी ताकत से हमला करने के बाद येजीवेन ने महसूस किया कि जून डिंटियन का कौशल उससे कहीं अधिक था। हालांकि यह 3000 बार की तरह अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं था, यह येजीवेन से बहुत आगे था। पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उनके अत्याचारी शरीर की डिग्री के साथ इसे दुनिया के सबसे संपूर्ण निकायों में से एक कहा जा सकता है। वह उसी दायरे में किसी से नहीं हारेगा। हालांकि वह जून डिंटियन के कौशल की बराबरी नहीं कर सका। जून डिंटियन की लंबी तलवार येजीवेन के हमले से थोड़ी सी ही हट गई थी, लेकिन फिर भी यह सीधे येजीवेन की ओर गई। येजीवेन ने इस मामूली शुरुआत का फायदा उठाया। उसका शरीर सुनहरी रोशनी के गोले में बदल गया और हमले को चकमा दे गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही बहुत दूर था। उसकी आंखें बेहद ठंडी थी। जून डिंटियन की ताकत बहुत मजबूत थी। वह उन सभी से ज्यादा मजबूत था जिनसे उसने पहले लड़ाई लड़ी थी। उनकी आंखों में ज्ञान की चमक थी। उसके शरीर का रहस्यमय स्थान लगातार जून डिंटियन की स्थिति का विश्लेषण कर रहा था। येजीवेन जून डिंटियन के इतने दबंग होने का कारण जानना चाहती थी। उन्हें विश्वास नहीं था कि जून डिंटियन की शारीरिक साधना तकनीक अत्याचारी शरीर की तुलना में बहुत अधिक दबंग थी। इसमें इतना शक्तिशाली कौशल कैसे हो सकता है? गहन जीवन क्षेत्र के शिखर पर किसी व्यक्ति के लिए ऐसा करना लगभग असंभव था। कोई खास तरीका होना चाहिए। जून डिंटियन ने उसे सांस लेने का कोई मौका नहीं दिया।
उसने अपनी तलवार से फिर हमला किया। 3000 तलवार सिद्धांत गंगा नदी की रेत की तरह थे, वे घने और अंतहीन थे, वे एक झटके में बह गए। अंतहीन तलवार क्यूई उसके शरीर से बाहर निकल आई। ऐसा नहीं चलेगा, मैं ऐसा कुछ भी विश्लेषण नहीं कर पाऊंगा, मैं केवल अपनी पूरी ताकत से उससे लड़ सकता हूँ, तभी मैं उसकी ताकत का राज खोज पाऊंगा, तभी मैं और सुधार कर पाऊंगा। हालांकि ये ज़िवेन इस तरह के अत्याचारी हमले का सामना कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें बेहद शांत थी, बिना किसी घबराहट के। ऐसा लग रहा था जैसे जून डिंगटेन की हर चीज उसकी गणना के भीतर थी। इस समय वह एक इंसान की तरह बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक विशाल कंप्यूटर, एक सुपर कंप्यूटर था। उसके कपड़े क्यूई तलवार से काटे गए थे और तलवार बिल उसके हाथ में तलवार से संघनित होकर सभी दिशाओं में फैल गई। यह लगभग स्वाभाविक था और इसमें कोई कमी नहीं थी। दूसरे शब्दों में, तलवार की इच्छा जो उसे राजा से विरासत में मिली थी, सार रूप में जून डिंगटेन की तलवार की इच्छा से कमतर नहीं थी। यह सिर्फ इतना था कि उन्होंने अभी तक इसे सिद्ध नहीं किया था। हालांकि उनके कौशल के बीच अभी भी एक बड़ा अंतर था। जून डिंगटेन की तलवार का हर वार गहन जीवन क्षेत्र के शिखर पर एक विशेषज्ञ को मार सकता है। गहन जीवन क्षेत्र के शिखर पर एक साधारण विशेषज्ञ भी समय पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं होगा। बजना, ये ज़िवेन बड़ी मुश्किल से जून डिंगटेन की तलवार को रोक पाए। उसके हाथ में सुनहरी तलवार फिर से पूरी तरह से चकनाचूर हो गई थी। उसने एक कौर खून उबल दिया और उसे उड़ते हुए भेजा गया। सभी के चेहरे खिले हुए थे। इस समय उनकी सारी उम्मीदें ये ज़िवेन पर थी। अगर ये ज़िवेन जून डिंगटेन को नहीं हरा पाती तो शायद आज उनका सफाया हो जाता। इस समय वे क्यों नहीं बच पाए, इसका कारण यह नहीं था कि उन्होंने एक ज़िवेन पर भरोसा किया था, बल्कि इसलिए कि उन्होंने पाया कि वे जून डिंगटेन के दिव्य विचारों द्वारा दृढ़ता से बंद कर दिए गए थे। उनके पास यह मानने का पूरा कारण था कि अगर उन्होंने भागने की हिम्मत की तो वे शायद जून डिंगटेन की तलवार से मारे जाएंगे। जून डिंगटेन केवल ये ज़िवेन पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसके पास ऐसा करने की ताकत नहीं थी। उन्होंने जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की, इसलिए इस समय वे केवल उम्मीद कर सकते थे कि एक ज़िवेन कमाल का प्रदर्शन कर सकती है। हालांकि ये ज़िवेन को उड़ते हुए और तलवार से मारे जाने को देखकर सभी के चेहरे अचानक गिर गए। हालांकि उन्होंने पहले ही इसकी उम्मीद कर ली थी, फिर भी जब उन्होंने इसे देखा तो वे इसे स्वीकार नहीं कर सके। जून डिंगटेन ने पहले अपनी ताकत छिपाई थी, इसलिए वे कुछ भी नहीं देख सके, लेकिन अब अपनी पूरी ताकत के साथ अद्वितीय दानव ये ज़िवेन, जिसने एक ही बार में दो लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जान मिंग और चू यून को वापस पकड़ लिया और लगभग उन्हें मार डाला, वास्तव में उसका कोई मुकाबला नहीं था। उनका भविष्य बिल्कुल अंधकार में था, लेकिन अब पूरी तरह से उम्मीद खोने का समय नहीं था, इसलिए उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। हमें क्या करना चाहिए? ये ज़िवेन कितने समय तक रह सकता है? मैंने पहले ही एक संकट संकेत भेज दिया है, लेकिन भले ही उन्हें खबर पता हो, वे इतने कम समय में भाग नहीं सकते। जब तक वे यहाँ पहुँचेंगे तब तक हमारी लाशें शायद लंबे समय तक ठंडी रहेंगी। यद्यपि ये ज़िवेन अद्भुत है, आखिरकार वह सिर्फ एक नश्वर है। उसकी तुलना एक भगवान के पुनर्जन्म से कैसे की जा सकती है? हाँ, इस तरह के एक प्राचीन बड़े शॉट के पुनर्जन्म के सभी प्रकार के जन्मजात फायदे हैं जो आम लोगों के पास नहीं है। जब तक वे अपनी यादें वापस प्राप्त करते हैं, उनका मार्शल आर्ट का अनुभव जल्द ही काम आएगा। उनके लिए बाधाओं की बाधाएं दायरे बिल्कुल मौजूद नहीं है। जब तक वे जल्दी से कौशल जमा कर सकते हैं, उनकी खेती कम समय में छलांग और सीमा से आगे बढ़ सकती है। हाँ, कोई आश्चर्य नहीं कि हमने जून डिंगटेन के बारे में पहले कभी नहीं सुना। जब हम पहले उस पर ध्यान दे रहे थे तो उसने अभी गहन जीवन क्षेत्र में कदम रखा था। कितना समय हो गया है और उसने वास्तव में गहन जीवन क्षेत्र के शिखर पर कदम रखा है। यह विस्मयकारी है, मैंने इतनी भयानक साधना गति कभी नहीं देखी। आप अपने आप को कम मानते हैं? जून डिंगटेन ने उपहास किया और ये ज़िवेन को अपनी तलवार से उड़ा दिया। उसने महसूस किया जैसे उसने एक गहरी सांस ली हो और अचानक से बहुत अच्छा महसूस कर रहा हो। ये ज़िवेन द्वारा अभी अभी पसलियों में चुरा घोंपने का घुटन भरा एहसास भी काफी बेहतर था। उसके हमले की अगली लहर पलक झपकते ही आ गई थी, जिसने ये ज़िवेन को सांस लेने का कोई मौका नहीं दिया। मार्शल आर्ट के अनुभव के मामले में वह ये ज़िवेन से कहीं अधिक गहरा था। वह ऐसी गलती कैसे कर सकता है और बाघ को पहाड़ पर वापस जाने दे सकता है? उसकी तलवार की गति प्रत्येक लहर के साथ अधिक से अधिक भयानक होती जा रही थी। 3000 तलवार सिद्धांत पूरी तरह से भौतिक हो गए थे, उसके सामने सब कुछ कुचल दिया। जैसे ही उसकी तलवार ये ज़िवेन को आधा काटने वाली थी, ये ज़िवेन का शरीर अचानक जीवन और मृत्यु की शक्ति के प्रकाश से फट गया, जो उसके सामने ब्लॉक करने के लिए एक पिक्चर स्क्रॉल में बदल गया। बजना, एक जोर की दहाड़ सुनाई दी और तलवार के इरादे ने यिन यांग के जीवन और मृत्यु के पैटर्न को तोड़ दिया, जिससे सीधे तौर पर हिंसक उतार चढ़ाव आए। यहाँ तक यिन यांग के जीवन और मृत्यु के पैटर्न ने भी धीरे धीरे एक शोकाकुल रोना छोड़ दिया, जैसे कि वह महसूस कर सकता था कि यह तलवार कितनी भयानक थी।
नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो येन यान का जीवन और मृत्यु का पैटर्न भी कायम नहीं रह पाएगा। ये शिवेन की आंखें डरावनी थी। जून डिंटियन का हमला उसकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली था, ये न्यान जीवन और मृत्यु पैटर्न, क्या यह उस बूढ़े आदमी का जादुई खजाना नहीं है? यह आपके हाथों में क्यों है? हालांकि यह अधूरा है, यह काफी है। जैसे ही जून डिंटियन ने येन यान के जीवन और मृत्यु के स्वरूप को देखा, उसके दिमाग में जो दूर की स्मृति सुप्त पड़ी थी वह अचानक जाग उठी। उसे अचानक येन यान जीवन और मृत्यु पैटर्न की उत्पत्ति याद आई और उसकी आंखें अचानक चमक उठी। येन यान जीवन और मृत्यु पैटर्न दिव्य उपकरणों के बीच भी एक प्रसिद्ध अस्तित्व था। यहाँ तक जून डिंटियन जैसी शीर्ष हस्ती ने भी इसके बारे में सुना था और इसकी लालसा की थी। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि येन यान जीवन और मृत्यु पैटर्न का स्वामी इतना शक्तिशाली था, तो येन यान जीवन और मृत्यु पैटर्न युद्ध का कारण बनता। हाहा, स्वर्ग वास्तव में मेरी मदद कर रहा है। ऐसा लगता है कि मेरे पुनर्जन्म का दिन बस कोने के आसपास है। जून डिंटियन जी भरकर हंसे। वह आज वास्तव में भाग्यशाली था। उसे अंधेरे के भगवान का झंडा और जीवन और मृत्यु के येन यान चित्रण की उम्मीद नहीं थी। ऐसा लगता था कि हमेशा एक रास्ता था। वह पहले ही अपना दाव सिद्ध कर चुका था, फिर भी उसकी मृत्यु हो चुकी थी। यह निस्संदेह उनके लिए एक बहुत बड़ा आघात था, जिनकी आंखें उनके सिर के शीर्ष पर थीं। प्रत्येक व्यक्ति जो अपने दाव को सिद्ध कर सकता था, वह न केवल मार्शल आर्ट में कुशल था और पूर्णता की पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनमें से प्रत्येक का भाग्य लंबा था और वे सभी प्रकार की लड़ाइयों का सामना करने के बाद जीवित रह सकते थे। हालांकि एक बार जब कोई देवता गिर गया तो इसका मतलब था कि उनकी असीम किस्मत का उपयोग किया गया था और वापसी करना बेहद मुश्किल था। हालांकि उसकी साधना बहुत तेजी से आगे बढ़ी थी, जैसे कि वह एक रॉकेट पर बैठा हो। उसे वास्तव में इतना विश्वास नहीं था कि वह अपने डीओ को फिर से साबित कर सके। किस्मत एक ऐसी चीज थी जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। यदि स्वर्ग ने आपको यह नहीं दिया तो यह बेकार होगा, चाहे आपने कितनी भी मेहनत की हो। अब जब वह दो अधूरे दैवीय उपकरण प्राप्त करने में सक्षम था, तो यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि स्वर्ग अभी भी उसकी परवाह करता है। वह कैसे खुश नहीं हो सकता था? हालांकि उसके हाथ दो अधूरे दैवीय उपकरण नहीं लगे थे, उसके लिए वे पहले से ही बैग में थे। फर्क सिर्फ इतना था कि वह उन्हें कब मिलेगा। यदि आप उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें अपने जीवन से बदल दें। जब वह गर्व महसूस कर रहा था, अचानक उसके पीछे ये जिवेन की ठंडी आवाज आई। उसे पता नहीं कब, लेकिन ये शिवेन ने पहले ही उसकी पीठ को छू लिया था। एक भयानक शक्ति तुरंत बह गई। तलवार का इरादा आसमान में चला गया और सीधे जून डिंटियन के सिर पर जा गिरा। कब, वह वहां कब पहुंचा? हर कोई बेहद हैरान था, क्योंकि उन्हें यह एहसास नहीं था कि ये शिवेन की हरकतें इतनी तेज थी। ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी एक पल पहले दूर था, लेकिन अचानक वह जून डिंटियन के पीछे आ गया। क्या अब भी वापसी की संभावना थी?